आज की जो सेशन है ये इट्स अ स्पेशल स्पेशल फ्री सेशन बिकॉज आज विश्वकर्मा पूजा है। विश्वकर्मा इज द लॉर्ड ऑफ ऑल द क्रिएटिविटी, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी। तो वास्तु जो है वो कंस्ट्रक्शन है, मशीनरी है, उनके जो देवता है वो विश्वकर्मा जी है। तो इसी विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य पर, विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य पर मैंने ये अरेंज की है। आई होप कि मेरा ये सेशन से आपको कुछ लाभ मिले, आप खुद भी इससे लाभ उठाएं और अगर पॉसिबल हो तो दूसरों को भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो वी विल स्टार्ट दिस सेशन इन नेक्स्ट 1 मिनट। नाउ फ्यू पीपल हैव ज्वाइन, फ्यू पीपल आर येट टू ज्वाइन। आपको अगर कोई भी इस सेशन के दौरान प्रश्न हो तो आप चाहें तो अनम्यूट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इन बिटवीन अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ मैं बता पाऊँ तो जरूर मैं हेल्प करूंगा, और इसके अलावा चैट विंडो में भी आप अगर चाहें तो लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा, शायद सबको रिप्लाई कर पाऊँ ना कर पाऊँ चैट में, आई डोंट नो, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। चैट विंडो आप सभी के सामने होगी, आप सभी देख सकते हैं चैट विंडो को। इसमें मैंने अपने कुछ ग्रुप लिंक्स शेयर किए हैं। हमारे फेसबुक ग्रुप में अगर आप एडेड हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऐड हो सकते हैं क्लिक करके। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नहीं है तो, ठीक है। और इसमें हर रोज मैं तो यही कोशिश करता हूँ कि आप सबको कुछ ना कुछ नई अकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी मैं आपको दे सकूँ। तो आप चाहें तो इसमें ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में एंड हमारी फेसबुक ग्रुप में। ठीक है जी, शैल वी स्टार्ट टुडे सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ सर जी, शुरू कीजिए। ओके, तो आप सभी मुझे रिस्पॉन्ड करते रहिएगा बीच बीच में, अदरवाइज आई माइट फील कि शायद आप लोग सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे, तो आप अगर रिस्पॉन्ड करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे समझ में भी आएगा कि आप लोग सुन पा रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। ठीक है जी, कोई क्वेरी हो तो प्लीज यूज द चैट बॉक्स। आप सभी अपना अपना फोन नंबर मुझे शेयर कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट, ओनली इफ यू वॉन्ट, चैट विंडो में, जिसके द्वारा आप अगर चाहें तो आपको, अगर आप ग्रुप में नहीं है तो ऐड भी किया जा सकता है, अदरवाइज वी कैन हेल्प यू विद सम अपडेट्स दैट वी कीप ऑन शेयरिंग। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट होम वास्तु। सो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले लेट्स गो टू लॉर्ड गणेशा, जिनसे सारी शुभ चीजों की शुरुआत होती है। एंड लॉर्ड विश्वकर्मा, जिनके वजह से एक वास्तु है, वास्तुकला है, जो तो वास्तुकला के देवता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं अबाउट वास्तु। वास्तु क्या है? सी, वास्तु जो है एक संस्कृत वर्ड से डिराइव हुई, एक संस्कृत वर्ड है। वास्तु का मतलब क्या होता है? वास एंड तु, मतलब वास्तु का मतलब वास करना। कहीं पर भी आप, कहीं पर भी रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जिस प्लॉट पर रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, या आप कहीं पर भी आप जब स्थित होते हैं तो हर जगह की एक वास्तु होती है, मतलब आप वहां पर जब रहते हैं तो उसको वास्तु कहा जाता है। वास्तु मीन्स लैंड टू लिव। ठीक है जी, आप चाहे जहां पर भी रहें, यहाँ भारत में रहें, विदेशों में रहें, जहां कहीं पर भी रहें, जहां भी रहते हैं वो कहीं ना कहीं वास्तु से डिराइव होती है। तो वास्तु है क्या? वास्तु जो है हमारे यहाँ पर आज के समय में, इसको हम शास्त्र की तरह हम इसको देखते हैं। पहले के समय में जितने भी घर बनते थे या जो भी कुछ होता था, गार्डनिंग की जाती थी या मंदिर बनाए जाते थे या और कुछ भी बनाए जाते थे, वो तो सारे के सारे वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाए जाते थे। आज के समय में ये
कहीं ना कहीं बहुत कम हो गई है, लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। और वास्तुशास्त्र का जो सबसे ज्यादा जो प्रभाव अगर किसी चीज पर पड़ता है तो वो है आपके स्वास्थ्य के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर। इसके अलावा फिनेंस, जॉब, करियर एंड एवरीथिंग, घर में, घर परिवार में शांति, सुख, शांति, सारी चीजों पर वास्तु का प्रभाव होता है। देखिए वास्तु क्या है, कैसे काम करती है। दिस सिस्टम डील्स विद फाइव एलिमेंट्स, पंच तत्व के बारे में आपने सुना होगा, पांच तत्व, फाइव एलिमेंट्स। ब्रह्मांड में या खास करके पृथ्वी पर या उससे भी ज्यादा खास करके हमारे ह्यूमन शरीर, वो जो है वो पंच तत्व से मिली हुई है, पंच तत्व से निर्मित है। और हम, हमारी जब भी मृत्यु होती है तो हम पंच तत्व में ही विलीन हो जाते हैं। वो पंच तत्व क्या है हम आगे देखेंगे। इन पंच तत्व के वो कैसे काम करते हैं इसको हम आगे देखेंगे। पंच तत्व है क्या, वो है एयर, वाटर, अर्थ, फायर एंड स्काई। मतलब एयर का मतलब वायु, वाटर मतलब जल, अर्थ का मतलब पृथ्वी, फायर मतलब अग्नि एंड स्काई का मतलब आकाश। ये पांच तत्व हैं जिससे कि हमारी ह्यूमन बॉडी भी निर्मित है। और ये हमारे घर को भी, चाहे हमारा घर कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, उसको ये डिराइव करती है, उसको वो चलाती है। और उसका एक साइकिल है जो कि हम आगे सीखेंगे। देखिए हिंदू ट्रेडिशन में उससे में जो माना जाता है कि अर्थ तकरीबन 460 मिलियन ईयर्स अगो वो फॉर्म हुआ था, एक उल्का पिंड के द्वारा वो धीरे धीरे ठंडी हुई और ये बना था। और उसके बाद काफी सारी चीजें आई, आई से जाई, बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं हुई। हमारे यहाँ पर जो हम मानते हैं या जो साइंटिफिकली भी प्रूवन है वो ये है कि पोल्स होते हैं। पोल्स जिसको कि हम नॉर्थ पोल या साउथ पोल के रूप में हम डिनोट करते हैं। मेजरली नॉर्थ पोल वास्तु में बहुत ज्यादा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड है, वहां से एक चुंबकीय आकर्षण या चुंबकीय शक्ति वहां पर होती है जो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे स्वास्थ्य के ऊपर वो इम्पैक्ट करती है। और वास्तु जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा नॉर्थ पोल के ऊपर में निर्भर होती है। और उसको देखते हुए ही हम वास्तु को करते हैं या करने की कोशिश करते हैं या डिग्री निकालने की कोशिश करते हैं। तो अब रहा सवाल कि वास्तु आई कहाँ से और ये चालू कहाँ से हुई, तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? आर यू ऑल एबल टू, आर यू ऑल एबल टू हियर मी? तो सबसे पहले हम सीखने की कोशिश करते हैं या समझने की कोशिश करते हैं कि वास्तु आई कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, तो देखिए बहुत पहले की बात है। हमारे कुछ लोग इसको माइथोलॉजी से जोड़ सकते हैं, मैं इसको हिस्ट्री कहूंगा। एक बार की बात है, भगवान शंकर या जिनको महादेव आप कहते हैं, उनका एक मल्ल युद्ध चल रहा था एक असुर के साथ जिसका नाम था अंधकासुर। ठीक है जी, मल्ल युद्ध मतलब शरीर से वो युद्ध कर रहे थे अंधकासुर जो कि एक असुर थे उसके साथ में, वो भी बहुत शक्तिशाली था। और ये युद्ध जो है वो कई दिनों तक चली। और इस स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझ में आए कि वास्तु आखिर स्टार्ट कहां से हुई। ओके, अब वो जब युद्ध चल रही थी तो चलते चलते, क्योंकि काफी समय तक चल रहा था, भगवान शिव के शरीर से वो एक पसीने की बूंद टपकी जमीन पर। जब वो पसीने की बूंद टपकी, अब देखो वो महापुरुष आप उनको कहें या देवता कहें या देव कहें, कुछ भी कहें, ऐसे तो है वो देव, तो उनके पसीने में भी इतनी ताकत हुआ करती थी या है कि उससे एक बालक का जन्म हुआ। अब वो जो बालक का जन्म हुआ, वो बालक धीरे 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 करके जब वो युद्ध हो रहा था उसकी, अब उसको भूख लगी हुई थी, तो उसने बोला कि भूख लगी हुई है मैं क्या खाऊं। तो भगवान शंकर से या महादेव से उसने प्रार्थना की कि मैं क्या खाऊं, तो उन्होंने बोला कि खा लो, तुमको जो दिखाई पड़ रहा है, जो तुमको ठीक लगे वो खा लो। अब वो तो युद्ध कर रहे थे, अब एक बालक उनसे पूछ रहा है तो वो और क्या कहेंगे, बोलेंगे ठीक है तुमको जो ठीक लगता है वो खा लो। अब उसने क्या किया, तो उसके सामने जो भी कुछ दिखाई पड़ा वो उसने उसको खाना चालू कर दिया। तो इस बीच में फिर अब वो युद्ध चल रहा था, अब युद्ध असुरों और देवताओं के बीच में युद्ध था वो, ओके, जिसमें खुद भगवान शंकर लड़ रहे थे, मल्ल युद्ध कर रहे थे अंधकासुर के साथ।
अब इस दौरान इस बालक ने क्या किया, इसको जो दिखाई पड़ा वो उसने खाना चालू कर दिया। अब इस बीच में फिर देवताओं ने बोला भगवान शंकर से कि प्रभु ये तो सब कुछ खाना चालू कर दिया, अब कुछ करें। तो उसने उस भगवान शिव ने बच्चे से कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ऐसी चीजें खाओ जो कि खाने वाली है। अब वो बच्चा वो रोने लगा, बोला कि मुझे बहुत भूख लगी हुई। तो भगवान शंकर ने पूछा कि तुम क्या खाना चाहते हो, तो इसने कहा कि मुझे तीनों लोक खाने हैं। अब तीनों लोकों के बारे में सबको जानकारी है, सभी जानते हैं तीनों लोक किसको कहा जाता है। यस नो? यस सर। आप चाहे तो चैट बॉक्स में चाहे तो लिख सकते हैं, तीनों लोक किसको कहते हैं, कौन मुझे बताएगा तीनों लोक का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? आकाश, पाताल और पृथ्वी। पृथ्वी जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो उसने बोला कि मुझे तीनों लोक खाने हैं। अब भगवान विष्णु सॉरी भगवान शंकर तो उस समय मल्ल युद्ध में रहते थे, तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, तुम जाओ जो मर्जी करो, मुझे लड़ने को। अब इसने क्या किया, ये चल पड़ा। अब ये देख करके राक्षस भी परेशान हो गए, देवता भी परेशान हो गए, और पृथ्वी लोक पर जो मनुष्य थे वो भी, उनको भी ऐसा लगा कि, और देवताओं को ऐसा लगा कि भैया ये तो सब खा जाए, ठीक है। और उसकी भूख बहुत ज्यादा थी, और वो धीरे 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 उसका शरीर विशाल हुआ जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। जितना खा रहा था उसका शरीर बढ़ जा रहा था अचानक, इतनी ऊर्जा थी, इतनी ताकत। उस बच्चे को उतना समय नहीं लगता बड़ा होने के लिए, ठीक है, वो बड़ा होते जा रहा। तो ये देखकर असुर भी परेशान हो गए और देवता भी परेशान हो गए कि ये तो जा रहा पृथ्वी लोक तीनों लोक को खाने के लिए, तो ये तो पूरा ब्रह्मांड का नाश कर देगा। तो ये सभी पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में, और ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी अब आप ही बचाएं, क्योंकि सृष्टि के जो संहारक है वो तो खुद अभी बिजी है लड़ाई करने में, अब क्या किया जाए, अब आप इनको बचाएं। तो ब्रह्मा जी ने इनको कहा कि चलो ठीक है, मैं बचाऊंगा, लेकिन मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। तो ब्रह्मा जी ने आइडिया दिया, बोला कि सारे देवता जितने लोग हो तुम लोग कर पाओ सब मिल करके, और जितने असुर हैं सब मिल करके इसके ऊपर में चढ़ जाओ, और चढ़ करके इसके पीठ के बल इसको गिरा दो, और इसके पीठ के ऊपर पीछे से मैं बैठ जाऊंगा, उसके बाद ये उठ नहीं पाएगा। अब बिल्कुल ऐसा ही हुआ, पीठ के ऊपर में चढ़ गए सारे, इसको गिरा दिया बच्चे को, हालांकि ये बच्चा नहीं है, काफी विशाल हो चुका था। और भगवान ब्रह्मा जो है वो खुद इसके पीठ पर बैठ गए। बैठने के बाद में ये बच्चे की अब उतनी शारीरिक क्षमता नहीं थी कि सारे असुर, क्योंकि उनकी भी अपनी बहुत ताकत थी, और टोटल मिलाकर के 45 देवता थे उसमें, असुर मिलाकर के सारे 45 थे, और ब्रह्मा जी को मिलाकर के जो कि इसके ऊपर में चढ़ गए थे, ठीक है जी। अब इसने ब्रह्मा जी से बोला कि मेरा क्या कसूर है कि आप सभी मेरे ऊपर में चढ़ गए, मुझे भूख लगी हुई, मुझे खाना है, आप मेरे ऊपर अत्याचार क्यों कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने बोला कि देखो तुमको सृष्टि को तो नाश करने हम नहीं दे सकते, तुम्हारी भूख है तो उसका मैं उपाय तुमको बताता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है बोलिए, अगर मुझे ठीक लगा तो फिर मैं मान लूंगा। तो ब्रह्मा जी ने बोला कि इस संसार में जितने भी घर बनेंगे, मंदिर बनेगी, या कोई भी धर्मशाला बनेगी, या कोई भी जगह बनेगी, उसमें तुम्हारा वास होगा, चाहे वो कितनी भी छोटी जगह हो या कितनी भी बड़ी जगह हो, वहां पर तुम्हारा वर्चुअल रूप में, आप समझ ले सूक्ष्म रूप में तुम्हारा वास होगा। वहां पर जो पृथ्वी लोक में जो लोग पूजा करेंगे, सबसे पहले उस घर की जो पूजा होगी वो तुम्हारी होगी, तुम उस घर में हमेशा वास करोगे, हमेशा उनके साथ रहोगे, उनके सुख दुख में साथ रहोगे, और वो जो पूजा करेंगे, वो जो भी कुछ करेंगे, वही तुम्हारी आहुति होगी, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है, ऐसी बात अगर है तो फिर मैं मान जाता हूं। इस तरीके से करके बच्चे का फिर अस्तित्व बना, और उसका नाम हुआ वास्तु पुरुष, आप देख सकते हैं। और ये डायग्राम तो आप देख, हाँ जी प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखें, आप अगर किसी और से बातें कर रहे हैं तो।
मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। इस तरीके से जन्म हुआ वास्तु पुरुष का, और वास्तु पुरुष ये आप इस डायग्राम में देखें वो एक शैडो इमेज है, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वास्तु पुरुष जो है वो उल्टे मुंह वो सोया हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से करके उसको गिराया गया, ठीक है। और आप सब तरफ में देखें कुछ ना कुछ नाम लिखा हुआ है, जैसे इस तरह से आप स्टार्ट करें, ये नॉर्थ का दिशा है, ये साउथ है, नीचे ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है। और सब तरफ में देवताएं हैं, देवता है और उसमें असुर भी है, टोटल 45 है इंक्लूडिंग ब्रह्मा, ठीक है जी। 32 जो गॉड है या देवता है वो आउटर सर्कल में है, ये जो आउटर सर्कल आप देख पा रहे हैं बाहर का भाग उसमें 32 है, और इनर में 13 है, और फिर उसमें एक ब्रह्मा जी है जो कि पीठ पर है एकदम बीच में। इसलिए देखिए आपका जो घर होता है, घर का जो मिडिल का जो स्थान होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रह्म स्थान, उसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे जो नाम आप देख पा रहे हैं ये सभी देवता, इसको आप देवता कह सकते हैं, हालांकि इसमें से बहुत सारे असुर भी हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज ये आपके घर में वास करते हैं, आप चाहे कितनी भी छोटी आपका घर हो, 10x10 का ही कमरा हो, एक होली हो, या तो फिर आपका एक मेंशन, डजंट मैटर, ये सारे के सारे जो देवता हैं आपके पूरे प्लॉट में, ये 45 देवता और साथ में साथ ये वास्तु पुरुष ये वास करते हैं आपके यहाँ पर, ठीक है। अगर आप अपने घर को वास्तु पुरुष के नियमानुसार, नियम के अनुसार अगर आप बनाते हैं तो वास्तु पुरुष खुश होते हैं, ये देवता भी खुश होते हैं, और आपको इससे आशीर्वाद मिलता है, प्रॉस्परस आपका जीवन बनता है। अगर आप इसमें गलत तरीके से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको इश्यूज आते हैं, मेजर जो इश्यूज होते हैं हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं। पंच तत्व जो 5 एलिमेंट्स के बारे में हमने बताया वो क्या है, वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड मेटल, ठीक है, या आकाश आप कह सकते हैं, स्पेस, ये सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसके डिस्टर्ब होने से आपकी हेल्थ पर भी इशू होती है, आपके फाइनेंस पर भी होती है, करियर में होती है, घर में जितने लोग भी रहते हैं, बड़े हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके ऊपर में इसका इम्पैक्ट होता है, ठीक है। कुछ चीज़ें बच्चों पर ज़्यादा असर होता है, कुछ चीज़ों महिलाओं पर ज़्यादा असर होता है, कुछ बूढ़ों पर ज़्यादा असर होता है, कुछ जो घर के मालिक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनके ऊपर में ज़्यादा हावी होती है। तो इसलिए हमको जरूरी ये है, हमारे लिए जरूरी ये है कि हम जब भी घर बनाएं वो वास्तु कंप्लायंट हो, और इसको समझना जरूरी है कि कहाँ पर कौन से देवता है, और उस जो जोन है, ये जितने भी आप जो नाम देख पा रहे हैं इसको आप वास्तु में जोन कह सकते हैं। ये सारे जो जोन है उनकी अलग अलग एट्रीब्यूट्स है, कहने का मतलब उनकी अलग अलग क्वालिटी है कि कौन से जोन में क्या होना चाहिए, कहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, कहाँ किचन होना चाहिए, कहाँ पर आपका लिविंग रूम होना चाहिए, कहाँ पर आपका पूजा रूम होना चाहिए, कहाँ पर बच्चों बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर आपका बेडरूम होना चाहिए, कहाँ पर स्टडी रूम होना चाहिए, एवरी सिंगल थिंग इज डिफाइंड इन वास्तु, एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली यू शुड मेक योर ड्रीम हाउस, और इवन इफ इट इज अ फ्लैट सो यू शुड मेक इट दैट वे सो दैट वास्तु पुरुष कैन ब्लेस यू, एंड नॉट ओनली वास्तु पुरुष बट ऑल दीज देवताज दे गिव यू ब्लेसिंग्स, ठीक है। क्योंकि अगर वास्तु पुरुष अगर पीड़ित होते हैं, अगर आप गलत जगहों पर गलत चीजें बना देते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो नॉर्थ है, ये जो कोना जो है ये नॉर्थ ईस्ट का कोना है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के कोने में देखिए एक जो देवता है उनका नाम है शिखी, आप देखो यहाँ पर लिखी हुई शिखी, ठीक है, वो एक देवता है शिखी। जो शिखी का जो स्थान है उसको कहा जाता है कि उसको नॉर्थ ईस्ट का वो कॉर्नर होता है, वहां पर अक्सर आपका मंदिर होना चाहिए। अब अगर किसी ने टॉयलेट बनानी वहां पर, किचन बना दी, तो क्या हो गया, आप सोचिए कि वास्तु पुरुष के सर के ऊपर में अगर आप किचन बनाएंगे या फिर टॉयलेट रखेंगे तो क्या होगा। वास्तु पुरुष कौन है, जिसके जो कि आपके घर में वास कर रहे हैं ना, घर असल में उनका ही है। अगर उनके सर के ऊपर में अगर आपने टॉयलेट बना दिया या किचन बना दिया तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इश्यूज देंगे, और किससे रिलेटेड, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड। इस तरीके से करके हम अलग अलग चीजों को डिनोट कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, किचन नहीं होना चाहिए, अगर होता है तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं, हेल्थ इश्यूज होते हैं, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं,
इसके अलावा और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज ऑफ कोर्स वो होंगे, इस तरीके की इश्यूज होते हैं। आई होप कि वास्तु पुरुष सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये वास्तु पुरुष है, इसके अंदर में जो जो चीजें हैं इसको वास्तु मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। वास्तु मंडल पर जितने सारे देवता हैं उन्हें मिलाकर के वास्तु मंडल। इज इट क्लियर टू ऑल? आप अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं अगर किसी को कोई इस पर डाउट है तो। No, it's clear. Clear? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Clear. Okay. देखिए, हिंदू जो हमारी मान्यता है या सनातन मान्यता है उसके अनुसार आपके घर में कुछ देवता भी वास करते हैं, कुछ देवता जो असल में देव है, ओके। जो पिछला हमने डिस्कस किया वो तो 45 देव गॉड्स थे, वो अलग है, ठीक है, वो तो हमेशा रहते हैं। लेकिन कुछ देवता ऐसे हैं जिनका पर्टिकुलर स्थान है आपके घर में, जैसे नॉर्थ के तरफ में कुबेर है, इसीलिए देखिए हमेशा हम कहते हैं कि नॉर्थ की तरफ में कुबेर रहना चाहिए। आप अपने घर में ट्रेजरी रख सकते हैं, रुपया पैसा आप नॉर्थ की तरफ में रखिए, क्योंकि ये उनका स्थान है। और कलर को भी आप देख सकते हैं, कलर्स भी आप देख करके आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कौन सा कलर आप बेसिकली रख सकते हैं, नॉट नेसेसरी बट यू कैन। उसके बाद ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन है, जो शिखी मैंने दिखाया था वो जो डायरेक्शन, ठीक है। हालांकि ये जो नॉर्थ ईस्ट, हालांकि काफी बड़ा जोन है ये, यहाँ पर भगवान शिव खुद वास करते हैं, भगवान शिव खुद यहाँ पर वास करते हैं आपके घर में। आप चाहे भारत में रहें जहाँ मर्जी रहें। कहने का ये मतलब है अगर आप हिंदू मान्यता को नहीं मानते हैं, आप किसी और धर्म से मानते हैं, तो आप सिर्फ इतना समझे कि उनकी जो क्वालिटीज है, जो भगवान शिव की जो क्वालिटीज है, ओके, आप उनको शिव ना माने, आप उनको कुछ और ही मान लें, वो एक डिवाइन पावर मान लें, उनके अंदर में जो क्वालिटीज है वो क्वालिटीज आपके उस जोन में रहती है। अगर आप उस जोन को डिस्टर्ब करेंगे तो वो जो क्वालिटीज है आपको पनिश करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वहां पर इंद्र रहते हैं। अब इंद्र कौन है? इंद्र है देवताओं के राजा, मींस किंग, ओके। तो ईस्ट का जोन अगर आपका अच्छा रहता है तो कहीं ना कहीं आपको सोशल कनेक्ट मिलती है, आपका मान सम्मान मिलता है, ओके। अगर डिस्टर्ब रहता है तो आपको प्रॉब्लम, झगड़े हो सकते हैं, शायद मान सम्मान ना मिले समाज में, इस तरह की चीजें हो सकती है। देयर कैन बी मल्टीपल थिंग्स। ये जो डायरेक्शन है ये इसको हम कहते हैं साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, ये अग्नि का जोन है, अग्नि देव भी यहाँ पर वास करते हैं, अग्नि देव। आइडियली यहाँ पर आपका किचन होना चाहिए, अगर होता है तो बहुत ही अच्छा है, किचन नहीं है तो कुछ और जो भी रखते हैं, लेकिन आपको कोशिश यही करना है यहाँ पर वाटर ना हो, बाथरूम ना हो, टॉयलेट ना हो, इस तरह की चीजें ना हो, ठीक है। ये क्योंकि अग्नि का जोन है, पानी के ऊपर अगर आप आग डालोगे तो क्या होगा, या आग के ऊपर अगर आप पानी डालोगे तो क्या होगा, ठीक है, एक दूसरे को काटते हैं। अच्छा, साउथ का जो डायरेक्शन है वो यम का डायरेक्शन, यम, यमराज, ठीक है, द गॉड ऑफ डेथ, डेथ के बाद जो लेने आते हैं, तो यमराज का जो डायरेक्शन है वो साउथ का डायरेक्शन है। साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है ये नैऋति, ये एक राक्षस है, ठीक है ना, नैऋति जो है वो एक राक्षस है। और साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है अक्सर यहाँ पर साउथ या साउथ वेस्ट का डायरेक्शन, खास करके साउथ वेस्ट का डायरेक्शन में आपका बेडरूम, और साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है आपके घर में सबसे ज्यादा भारी होना चाहिए। भारी कहने का मतलब वहां पर आपका बेडरूम है, वहां पर आपके क्लोसेट्स हो सकते हैं, अलमीरा हो सकती है, मतलब भारी डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, या सीढ़ी भी हो सकती है, स्टेयरकेस हो सकती है, उसको हल्का ना रखें। वहां पर आपका जैसे कोई बारामदा ना हो, या फिर आपकी बालकनी ना हो, हल्का ना हो वो जगह, ये याद रखें। फिर वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो वरुण का है, वरुण कहने का मतलब वरुण देव, जो जो हमारे हैं आकाश से इनका संबंध होता है, ठीक है, जल से इनका संबंध होता है, वो वरुण देव वेस्ट के डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो अपना टॉयलेट बना सकते हैं, ठीक है, या बच्चों का स्टडी रूम आप यहाँ पर बना सकते हैं, वेस्ट के डायरेक्शन वो अच्छा होता है। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है ये वायु का डायरेक्शन है, वायुदेव मीन्स एयर, ठीक है जी। तो ये जो डायरेक्शन है ये अक्सर माना जाता है, अगर आपके गेस्ट रूम बनाना है तो आप इस तरह बना लें, या मान लीजिए घर में लड़की है जिसकी शादी की उम्र हो चुकी है, शादी नहीं हो रही है, तो उसको वेस्ट के सॉरी नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन वाली रूम में अगर आपको सुलाएं तो भी कहीं ना कहीं उससे लाभ होता है। अगर अदरवाइज आप किचन भी यहाँ पर बना सकते हैं तो ये नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। रोमांस का भी डायरेक्शन माना जाता है, वो हालांकि नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है, थोड़ा सा अलग है वो, लेकिन इसी जोन में आता है। तो ये कुछ देवता है।
जो कि आपके घर में वास करते हैं, और उनकी क्वालिटीज, कहने का ये मतलब उनकी जो क्वालिटीज है वो आपके घर में वास करती है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपना घर अक्सर बनाना चाहिए। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं वास्तु डायरेक्शंस के बारे में। डायरेक्शंस क्या है? देखिए, एक्सक्यूज मी सर, एक प्रश्न थी। एक्चुअली आप तो फ्लैट है ना, मकान का तो बातें कुछ ही अलग है। अगर फ्लैट में हम जाए तो अक्सर तो ये नहीं हो सकता ना कि हमारे चाहिदे के माफिक वो बनाए। तो कहीं कहीं भी होता है कि साउथ में अगर बेलकनी हो तो अच्छा है या बुरा? मैडम होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर है तो क्या करें, तो फिर आपको रेमेडी करनी पड़ती है। बाय द वे होनी नहीं चाहिए। नहीं, सब तो कहते हैं ना कि साउथ का जो हवा है बहुत अच्छा है, दक्षिण का हवा लेना चाहिए। मैडम जो भी कहते हैं ना बेवकूफ कहते हैं, उनको वास्तु के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है। ओके ओके, तो ये गलत है। कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। मैडम जो साउथ से हवा आती है, अब वो गर्म हवाएं आती है। आपको गर्म हवा चाहिए या ठंडी हवा चाहिए? हाँ वो तो है, नॉर्थ का हवा ठंडा है। हवा जो है वो नॉर्थ की अच्छी होती है, ईस्ट डायरेक्शन की अच्छी होती है, ईस्ट की, ईस्ट की, साउथ की नहीं। ठीक है, साउथ में चाहे तो आप अपना बेडरूम बना लीजिए। साउथ में आप नहीं, बेडरूम तो है मगर दो बैल्कनी भी है, बेडरूम के साथ ही बैल्कनी है तो कोई बात नहीं। अब है तो क्या कर सकते हैं, ज्यादातर फ्लैट्स में यही दिक्कत है। फ्लैट्स में यही दिक्कत है तो है, लेकिन अब उसके फिर आपको रेमेडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो प्रॉब्लम्स को दिखाएंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू सर। अब हम डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं। तो यूजुअली ज्यादातर लोगों को जो मालूम होता है कि डायरेक्शंस कितने होते हैं, तो चार डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ये डायरेक्शंस होते हैं। वास्तु में जो डायरेक्शंस होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं 16 जोन में, मतलब 16 डिफरेंट डायरेक्शन। वो क्या है उसको हम कहते हैं, यहाँ पर देखिए आप, ऊपर में नॉर्थ है, नॉर्थ के बगल में एनएनई स्टैंड्स फॉर नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उसके बगल में जो डायरेक्शन होती है वो होती है नॉर्थ ईस्ट। उसके बगल में ईएनई स्टैंड्स फॉर ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद में आती है ईस्ट, जो नॉर्मली हम ईस्ट कहते हैं। ईस्ट के बाद में आती है ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट के बारे में के बाद आती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बाद साउथ साउथ ईस्ट, उसके बाद आती है साउथ जो नॉर्मली हम जानते हैं साउथ, साउथ के बाद में आती है वेस्ट, सॉरी साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट के बाद में आती है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट के बाद वेस्ट साउथ वेस्ट, उसके बाद में आती है वेस्ट जो नॉर्मली हम जानते हैं, उसके बाद आता है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट एंड देन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। ये टोटल जो होते हैं ये 16 डायरेक्शंस होते हैं वास्तु के। ठीक है, जब भी हम किसी के घर का वास्तु जब हम चेक करते हैं तो उसको हम डिवाइड करके 16 डायरेक्शंस में, 16 जोन्स पर हम डिवाइड सबसे पहले करते हैं, और करके हम देखते हैं कि कहाँ पर कौन से डायरेक्शन में क्या चीज़ आ रही है। कहाँ पर किचन आ रहा है, कहाँ पर आपका टॉयलेट आ रहा है, कहाँ पर आपका बेडरूम आ रहा है, कहाँ पर बच्चों की बेडरूम आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कहाँ पर आपका मेन एंट्रेंस आ रहा है, क्योंकि मेन एंट्रेंस का बहुत बड़ा प्रभाव है वास्तु। अगर आपके मेन एंट्रेंस ही गलत है तो फिर पूरा गलत होता है, कहीं ना कहीं उसमें प्रॉब्लम आता ही है। ठीक है, कितना आएगा, ज्यादा आएगा, बड़ा आएगा, वो अलग बात है, लेकिन मेन एंट्रेंस का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये 16 डायरेक्शन। अब उन 16 डायरेक्शन से में भी और फर्दर हम ड्रिल डाउन करके टोटल 32 डायरेक्शन होते हैं वास्तु में। अगर आप चाहें तो लिख करके रखें, इन वास्तु वी डिवाइड डायरेक्शन इंटू 16 एंड 32 डायरेक्शन। तो 16 अभी मैंने बता दिया, ये टोटल 16 डायरेक्शन। फर्दर हम जब ड्रिल डाउन करते हैं तो हम उसको 32 डायरेक्शन कहते हैं। तो नॉर्थ की तरफ में जब हम बात करते हैं तो नॉर्थ में टोटल 8 डायरेक्शन होते हैं। कौन से? N1, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है N1, N1 का मतलब नॉर्थ 1, उसके बाद होता है N2, N2 का मतलब नॉर्थ 2, N3 मतलब नॉर्थ 3, उसी तरीके से करके N8 तक है। ठीक है, उसी तरीके से ईस्ट के डायरेक्शन में भी 8 डायरेक्शन होती है। ठीक है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 तक। उसके बाद साउथ में भी सेम है, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, और उसके बाद वेस्ट में W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7, W8, यहाँ तक। ये टोटल 32 डायरेक्शंस होते हैं, सॉरी 32 जोन्स होते हैं, नॉट डायरेक्शन, 32 जोन्स होते हैं वास्तु में। जब भी हम किसी के भी घर का वास्तु जब हम करते हैं या कोई हमको बुलाता है अपने घर में, तो हम सबसे पहले उनको क्या करते हैं, अगर उनके घर में जाते हैं तो हमको काफ़ी चीज़ें तो घर देख करके समझ में आ जाता है। बाकी अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होता है तो हम उनको बोलते हैं कि आप अपने प्लॉट का नक्शा दीजिए। तो आपका आपने जब घर बनाई होगी तो आई एम श्योर कि आपने प्लॉट का जो
नक्शा है वो किसी ने किसी ने करवाया होगा, तो वो आप दे उसको, हम फिर कंपस के थ्रू, हमारा एक अलग सा कंपस होता है उसके द्वारा, वो फिर इसी तरह का होता है जैसा ये आप चक्र देख रहे हैं ना, इसी तरह का होता है, उसके द्वारा फिर हम उसको चेक करते हैं, चेक करते हैं कि कौन सा चीज आपके घर में या कौन टॉयलेट या बेडरूम या सब कहाँ पर आ रहे हैं, और उसके अनुसार वो कौन सा चीज ठीक है, कौन सा चीज ठीक नहीं है, किसका जोन बिगड़ा हुआ है, कौन सा जोन खराब है, कौन सा जोन अच्छा है, और जो बिगड़ा है उसको हम बैलेंस करते हैं, जो जो ओवर पावर कर रहा है ठीक है उसको भी हम बैलेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से करके हम चीजों को देखते हैं। अब हम बातें करते हैं कि हर जो 16 डायरेक्शंस के बारे में मैंने बात की, उन सब 16 डायरेक्शंस की भी अपनी अपनी एटीट्यूड्स है, कहने का मतलब क्वालिटीज है, वो क्या दिखाती है ठीक है। वो आप ये राइट हैंड साइड वाले पिक्चर में आप चाहे तो देख सकते हैं, ये 16 डायरेक्शंस का, 16 डायरेक्शन में वो कौन कौन सी चीजों को दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ में आप देखें, सो नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो दिखाता है मनी एंड अपॉर्चुनिटी, आपका करियर को भी वो दिखाता है कहीं ना कहीं ठीक है। तो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है वो पैसा देता है, मनी देती है, अपॉर्चुनिटी बिजनेस में भी अच्छा आपका अच्छा हो सकता है। एनएनई, जो एनएनई हमने बोला नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसका जो डायरेक्शन होता है वो हेल्थ एंड इम्यूनिटी, वहाँ वो जो डायरेक्शन अगर आपका घर में अगर बिगड़ गया तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट किस पर होगा, आपके हेल्थ पर। और अगर मान लीजिए वो जोन अगर अच्छा है मतलब, तो वहाँ पर यूजुअली आपको आप अपना पूजा रूम बना सकते हैं ठीक है, अदरवाइज आप उसको ऐसे खाली रख सकते हैं, चाहे तो वहाँ पर आप बालकनी भी बना सकते हैं। अगर वो जगह ठीक है तो आपके घर में हेल्थ अच्छी रहेगी। उसके बाद में आता है नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, वो है क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्योंकि देखो वास्तु पुरुष का सर जो है ना एनी में आ रहा था, याद है सबको, आई एम श्योर की याद होगा, वो एनी में आ रहा था, नॉर्थ ईस्ट में आ रहा था ठीक है। तो वो माइंड को दिखाता है, क्लैरिटी को दिखाता है। तो अगर वो जोन अगर अच्छा है तो आपकी माइंड अच्छी होगी, माइंड में क्लैरिटी होगी, डिप्रेशन वगैरह से आप कम गुजरेंगे ठीक है, ऐसी चीजें। उसके बाद में ईयरली ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है रिक्रिएशन फन का, मतलब एंटरटेनमेंट, फन, बाहर जाना, मूवी देखना वगैरह वगैरह, इन सब चीजों। उसके बाद में आता है ईस्ट का डायरेक्शन ठीक है, ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है सोशल एसोसिएशन, क्योंकि देखो ईस्ट का डायरेक्शन का देवता मैंने किसको कहा था, वो था इंद्र, वो राजा है ठीक है। कि जब ईस्ट का डायरेक्शन आपका अच्छा रहता है तो आप सोशली लोगों से ज्यादा घुल मिल पाते हो, कनेक्ट कर पाते हो ठीक है, आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान होता है अपनी सोसाइटी में, अपने लोगों में, वो देख सकते हैं। ईस्ट साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है ये एंजाइटी का डायरेक्शन होता है, चर्निंग की डायरेक्शन होती है ठीक है। ये जो डायरेक्शन होता है यूजुअली यहाँ पर आपको अपना मिक्सर ग्राइंडर रखना चाहिए, या फिर आप अपना वॉशिंग मशीन अगर आपके घर में है तो वॉशिंग मशीन आपको इस डायरेक्शन में रखनी, क्योंकि चर्निंग की डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर आप बैठते हैं तो आपका दिमाग ना वो हमेशा सोचता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, चर्निंग का मतलब चलना ठीक है। तो आप अगर यहाँ पर अपने मिक्सी रखते हैं या कोई मोटर वाली चीज अगर है जो कि चलाए मान है, तो उसको अगर आप यहाँ पर रखते हैं तो वो आपके लिए बेहतर। उसके बाद में आता है साउथ ईस्ट का डायरेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्शन साउथ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पर आपका यूजुअली आपका किचन होना चाहिए, साउथ ईस्ट फायर का जोन है, किचन होना चाहिए, अगर किचन है तो बहुत बढ़िया ठीक है। और ये जो जोन है ये कहीं ना कहीं कैश एंड लिक्विडिटी का भी जोन है। देखो नॉर्थ का जोन मैंने बोला था मनी एंड अपॉर्चुनिटी, मनी देता है, ये जो जोन है ना साउथ ईस्ट का जोन, ये कैश एंड लिक्विडिटी, मतलब कैश को आप कितना एकत्रित करके भी रख सकते हैं, इसका भी जोन साउथ ईस्ट है। जब आपके घर में साउथ ईस्ट जितना आप अगर हो, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। साउथ ईस्ट का आपके घर में जो साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है फायर एंड लिक्विडिटी का ठीक है। वहां पर आप चाहे तो कैश रख सकते हैं। देखो एक चीज मैं बताऊं, पहले के समय में आपने देखा होगा शायद आपके घर में माँ या फिर आपके दादी वगैरह, वो क्या करते थे, कुछ पैसे ना अपने मसाले के डब्बों में ठीक है, या चावल में ऐसे छुपा के रखते थे। किसी का होता था, एनीवन, किसी ने देखा है ऐसा, या आप करते हैं खुद ऐसा किचन में चावल में या मसाले के डब्बों में कुछ पैसा छुपा करके रख देना? यस यस, अभी सुना, मैं करती हूँ। yes. yes. उसके पीछे का देखिए कारण है कहीं ना कहीं साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से ठीक है, क्योंकि ये पहले से ही चली आ रही है, इसका जो संबंध है वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन से होता है ठीक है।
अगर आपका किचन खुद ही साउथ ईस्ट में नहीं कहीं और है और आप मसालों में पैसे रख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। मेन जो पहले के समय में मसाले के डब्बों में या फिर चावल में या इस तरह के पहले अनाज में रखा करते थे, उसमें हम पैसे छुपा करके कुछ महिलाएं रखती थी, यूजुअली ये महिलाओं का ही काम वो करती थी, अपनी खुद की सेविंग बनाती थी, ठीक है, अपने हस्बैंड में से निकाला और इधर घुसा दिया, वो तो मसाले तो दिखने जाएंगे नहीं, कुछ और देख सकते हैं शायद, है ना, ये अनोइंगली हो गया, अनोइंगली हो गया। अच्छा ठीक है, तो उसका कारण आप समझ लीजिए कि क्या है, ये ये क्यों चला आ रहा है, उसके पीछे का कारण क्यों है, क्योंकि किचन जो पहले हुआ करता था, हाँ तो चला आ रहा है, लेकिन आज समझ लीजिए कि ऐसा क्यों है, क्यों है, है तो जरूर जरूर, क्योंकि साउथ ईस्ट का जो डायरेक्ट पहले जो जो घर बना करते थे वो वास्तु कंप्लायंट होते, वास्तु के अनुसार बनाते थे, आज तो जहाँ मर्जी वहाँ हम कुछ भी बनाते हैं, इसीलिए इतने प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, पैसा नहीं बचता, प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज वगैरह वगैरह, डायबिटीज, माइंड डिस्टर्ब, डिप्रेशन, सब वास्तु इश्यूज। तो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं पैसा, आप अगर वहाँ पर किचन है तो आप मसाले के डब्बे कुछ भी पैसा रखें आज भी आप कर सकते हैं, और आप देखेंगे ये आपके लिए शुभ साबित होगा। साउथ साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है पावर एंड कॉन्फिडेंस का। साउथ साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आप बैठ करके अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट का अपना काम करें या कुछ सोचने वाला काम करें, ठीक है, आपको अगर ऑफिस से कोई काम मिला है, घर में अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, या ऑफिस में भी अगर आप बैठे हैं और इस डायरेक्शन में बैठ करके अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, पावर मिलेगा कि आप उसको आगे बढ़ा पाए। उसी तरीके साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो होता है रिलैक्सेशन एंड गेम। यहाँ पर जो इंसान सोता है उसको अच्छी नींद आती है, साउथ का डायरेक्शन एग्जैक्टली सब, ठीक है, वहां पर आपको नींद अच्छी आती है और साथ ही साथ पेन मिलता है, पेन मतलब My bedroom is in south. Yeah, ठीक है, लेकिन जरूरी ये है कि आपका जो हेड हो वो साउथ के डायरेक्शन। अच्छा, देन साउथ साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, ठीक है, वो जो डायरेक्शन है वेस्टेज का डायरेक्शन है, याद रखिए। बहुत लोग कहते तो हैं कि मेरा बेडरूम साउथ में है, लेकिन उनको पता नहीं होता वो साउथ है या साउथ साउथ वेस्ट है, क्योंकि साउथ का जो डायरेक्शन होता है वो रिलैक्सेशन एंड पेन है, लेकिन साउथ साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो वेस्टेज का डायरेक्शन होता है। वहाँ आप जो भी रखेंगे वो चीज वेस्ट हो जाएगी, पैसा रखोगे तो पैसा खर्च हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा या चोरी हो जाएगी। आप अगर वहाँ पर सोते हो तो हेल्थ खराब हो जाएगा, कोई भी सामान आप वहाँ पर रखते हो तो वेस्टेज हो जाएगा, क्योंकि वेस्टेज का डायरेक्शन है। एक्चुअली यहाँ पर टॉयलेट होना चाहिए, साउथ साउथ वेस्ट के डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन फॉर योर टॉयलेट। आगे बढ़ते हैं, साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है दैट इज रिलेशनशिप एंड स्पेस। हस्बैंड वाइफ आपके घर में अगर अगर घर आपके नाम पर है, आप हस्बैंड वाइफ है, तो आपको इस डायरेक्शन में अपना बेडरूम रखना चाहिए साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में, और आप वहाँ पर सुन। वेस्ट साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है एजुकेशन एंड सेविंग की डायरेक्शन, क्योंकि बच्चों को आप वहाँ पर किताबें रख सकते हैं या अपनी किताबें रख सकते हैं वहाँ पर, और ये अच्छा काम करता है। वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है गेनिंग पॉइंट होता है, बिजनेस जो जिनके घर में बिजनेस है या बिजनेस करते हैं या अगर अकाउंट से रिलेटेड काम करते हैं तो उनके लिए भी वेस्ट का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा होता है, वो गेन का क्या का की डायरेक्शन होती है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वो होता है डिप्रेशन एंड लो मूड्स। देखो पहले के समय में आपने देखा होगा हमारी जो जितने भी रामायण महाभारत वगैरह वगैरह, जब भी किसी को भी रोना आता था आपने देखा होगा तो वो एक दूसरे रूम में चला जाया करती थी, आपने देखा है, कभी के सामने नहीं रोती थी वो, जब भी रोना आया तो वो कहीं दूसरी जगह पर किसी रूम में चला जाए। उसको कहा जाता था कोप भवन, क्या कहा जाता था, कोप भवन, ठीक है, कोप भवन का मतलब ये होता है जहां पर आप जा करके अपने आंसू या जो भी इमोशन है उसको आप जाहिर कर सकते। तो वो एक्चुअल डायरेक्शन होता था, उसकी जो जोन होती थी वो होता था वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। आपके घर का जो भी जो जोन होगा, या फ्लैट में भी रहे हो या जहां मर्जी रहे, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है अगर आप वहां पर जाकर के सोते हैं या ज्यादातर समय वहां पर स्पेंड करते हैं तो गारंटीड है कि आपके दिमाग कहीं ना कहीं आपके मूड्स बदलते रहते हैं, ठीक है, रोना धोना आपको ज्यादा आएगा, ओके, आ सकता है, या कहीं ना कहीं आपके मूड जो है बदलते रहेंगे। उसके बाद आता है नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन, ये होता है बैंकिंग एंड सपोर्ट। किसी को भी बैंक से सपोर्ट चाहिए, बैंक से लोन लेना है या कुछ करना है इस तरीके की चीजें, वो नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन। आप बैंकिंग से रिलेटेड अपने कागज पत्र जो है कुछ भी है वो आप नॉर्थ वेस्ट के रूम में वहाँ पर उस जोन में आप रख दें तो कहीं ना कहीं चीजें आपके लिए आपके फेवर में आ सकती है, आपको लोन मिल सकता है या कुछ भी जो सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से चाहिए या बैंक से चाहिए वो मिल सकता है।
नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है ये होता है सेक्सन अट्रैक्शन। किसी की भी नई नई शादी होती है तो यूजुअली ऐसे जगहों में नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के जो डायरेक्शन में अगर वहाँ पर कमरा है तो ऐसे कमरे में शुरुआत में जब उनकी नई नई शादी हुई है तो वहाँ पर सोना चाहिए। लेकिन याद रखिए शुरुआत में अगर उस महिला ने कंसीव कर लिया पेट में, मान लीजिए दे आर एक्सपेक्टिंग, द लेडी इज एक्सपेक्टिंग, तो उसको उस डायरेक्शन में नहीं, उसको साउथ में आ जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन नई वधु को हमेशा नए लड़के अगर नई नई शादी हुई है तो अगर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में अगर वो सोते हैं तो वो उनके लिए बेटर है, वो सेक्स एंड अट्रैक्शन की डायरेक्शन। तो ये हो गई क्वालिटी ऑफ 16 डिफरेंट डायरेक्शन। ओके, अगर इसके अनुसार आपका घर है या अगर आप अपना घर बनाते हैं इसके डायरेक्शन इसके अनुसार तो कहीं ना कहीं आपको इससे लाभ मिलता है। आई होप कि ये जो मैंने बताया है आप सबको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। ठीक है जी, साथ ही साथ सबसे यही गुजारिश है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन नंबर और चाहे तो ईमेल आईडी आप शेयर कर सकते हैं हमारे ग्रुप में ताकि आपको अपडेट्स वगैरह आपको दिया जा सके। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ जिस पर आप सभी हमारे फेसबुक ग्रुप में आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी भी लिंक मैंने चैट में शेयर की है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नहीं हैं तो। इसके अलावा मैंने अपने फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर की है, किसी को भी कोई भी दिक्कत होता, कोई भी छोटा मोटा अगर कुछ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप में अगर आप पूछते हैं तो बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुझे सीखा है वो भी आपको जवाब दे सकते हैं अगर आप नए हैं तो। अदरवाइज आप मेरे खुद के स्टूडेंट हो तो फिर आप पूछ सकते हैं, आपको तो खुद ही आ सकते हैं, आप मुझसे अलग से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, कुछ नया आपको शायद पता चला होगा या कुछ लोगों को पहले से भी पता होगा शायद, राइट? सबको ठीक लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है? यस सर, यस सर। क्या हो गया? यस सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मच इंटरेस्टिंग सर, अमेजिंग अमेजिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए थैंक यू मोस्ट वेलकम। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अब रहा सवाल कि हम जोन निकाले कैसे, हमको पता कैसे चले कि कहाँ पर नॉर्थ है। अब ऐसे तो कहने का ज्यादातर लोगों को आप पूछें कि नॉर्थ किधर है तो वो बोलेंगे किधर है, राइट? ऐसा करते हैं लेकिन इधर उधर नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द पीपल अगर आप अपने घर में ये जो कंपस है आप देख सकते हैं, ये जो कंपस है इसको कहते हैं मैग्नेटिक कंपस। आर्मी वाले लोग ऐसा ही यूज करते हैं, मैप भी या कोई भी वास्तु का जो काम करता है वो यही वाला रखता है, इसको ऑयल कंपस भी कहते हैं। इसके द्वारा हम नॉर्थ को हम देखते हैं और एक्यूरेटली आता है, बहुत अच्छा, ज़्यादा दाम भी नहीं है, शायद 700-800 रुपये ऐसे कुछ होगा या 1000 रुपये के भीतर ही आ जाएगा। अगर आपकी ज़रूरत है तो ही ले, नहीं ज़रूरत है तो फिर बेकार में पैसे व्यर्थ ना करें, मोबाइल से भी आप चाहें तो देख सकते हैं। तो कई बार लोग कहते हैं कि मेरा जो दरवाज़ा है वो एग्जैक्टली नॉर्थ में, लेकिन एग्जैक्टली नॉर्थ में नहीं होता क्योंकि आप यहाँ पर देखिए डिग्रीज तो एग्जैक्टली जो नॉर्थ होती है वो होती है 360 डिग्री, मतलब 0 डिग्री। आप उसको 360 डिग्री कहें या फिर 0 डिग्री कहें, किसी का वो 10 डिग्री पर होता है, किसी का 20 डिग्री, किसी का 30 डिग्री, किसी का 350 डिग्री, किसी का 340 डिग्री। तो आपको जब भी देखना है कि आपका, और मेजरली आपको देखना क्या है कि आपके घर का जो दरवाजा है, मेजरली आपके जो घर का मेन एंट्रेंस है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव मेन एंट्रेंस, आपको ये देखना है। और देखना कैसे, आप घर के एकदम मिडिल में जाइए, जो आपका प्लॉट है या आपका जो भी फ्लैट है उसके एकदम मिडिल, मिडिल में चाहे जो मर्जी, ठीक है, आपका हॉल हो, आपका बेडरूम आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, एकदम जो मिडिल में, मिडिल में जाए, खड़े हो जाए, मोबाइल में कंपस निकाल लें या आपके घर में कंपस है गूगल लेते और निकाल करके उसके बाद में आप उसमें देखें कि रेड कलर किस तरफ में इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। रेड कलर आप देखोगे नॉर्थ जो हमेशा रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और देखें कि उस तरफ में आपके घर में क्या है, बेडरूम आ रहा है, किचन आ रहा है, टॉयलेट आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घर में बाकी सारी चीजें कौन से डायरेक्शन में है। ओके, तो करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम नॉर्थ को ही हम चेक करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक नॉर्थ हम कंपस से हम देख सकते हैं, तो 0 डिग्री पर दिखाता है या 360 डिग्री की ही बात है वो दिखाता है। आपको खड़ा होना है प्लॉट के भ्रम स्थान में, मतलब बीचों बीच में, और आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि जरूरी भी है, आप इसको समझ सकते हैं चाहे तो,
इसको कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन। साइकिल ऑफ क्रिएशन क्या है? देखिए फाइव एलिमेंट्स के बारे में थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी कि पंच तत्व होते हैं, फाइव एलिमेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं। फाइव एलिमेंट्स जो है वो होता है वाटर, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी एंड आकाश। ये पांच तत्व होते हैं, या आपके शरीर में भी, मनुष्य के शरीर में, ठीक है। जानवरों के शरीर में किसी में चार होता है, किसी में तीन होता है, किसी में दो होता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो चौपाया है, दो पाया है, कि चिड़िया है या मछली है या सांप है, कुछ डिपेंड, या पेड़ पौधे, जैसे पेड़ पौधे में एक तत्व होता है, मनुष्य में पांच तत्व अलग अलग है। तो जो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है वो जल तत्व होता है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस चीज को देखा भी था कि नॉर्थ के तरफ में नॉर्थ का जो तरफ होता है कैसे दिखाई पड़ता है, एजुकेशन वहां पर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सो जो एग्जैक्टली नॉर्थ का डायरेक्शन है वहां पर असल में आपके घर में जल तत्व होना चाहिए। कहने का ये मतलब है कि वहां पर आप अपने घर का वॉशरूम रख सकते हैं, बाथरूम रख सकते हैं, टॉयलेट नहीं, दोनों का अंतर है। टॉयलेट जो है वो वेस्ट का डायरेक्शन, वो सॉरी वेस्ट की चीज है, लेकिन बाथरूम रख सकते हैं, वहां पर आपका अंडरग्राउंड ये हो सकता है, क्या कहते हैं उसको, अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व हो सकता है, ठीक है, ओवरहेड नहीं, अंडरग्राउंड हो सकता है। ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो वायु है, उसी तरीके से। अब देखिए ये एक साइकिल ऑफ क्रिएशन है, ठीक है। कैसे साइकिल ऑफ क्रिएशन है इस चीज को पढ़ें। देखिए जल जब भी जमीन पर गिरता है उससे उत्पन्न होती है क्या, पेड़ पौधे। जल जब मिट्टी पर पड़ता है तो उससे उत्पन्न होता है पेड़ पौधे, राइट। तो जल है, आप एरो को देखें, जल से हुआ पेड़ पौधे, पेड़ पौधे से ही हमको वुड भी मिलता है, लकड़ी। उसी लकड़ी को जला करके आगे बनती है अग्नि। पहले के समय में अग्नि उसी से बनती थी, आज के समय में हम गैस यूज कर रहे हैं, अलग अलग फ्यूल्स यूज कर रहे हैं, वो अलग बात। अग्नि से उत्पन्न होती है पृथ्वी, जब अग्नि बुझ जाती है तो क्या होता है, उससे राख मिलता है, राइट। राख जब ठंडी होती है तो वो क्या हो गया, मिट्टी हो गया ना, तो वो उसको पृथ्वी कहा गया। और जब राख ठंडी हो जाती है उससे हमको क्या मिलता है, उससे हमको मिलता है आकाश तत्व या मेटल, इसको मेटल भी कहते हैं। जब धीरे धीरे वो जो राख है, जो मिट्टी ठंडी होती है, धीरे धीरे नीचे जाती है, तो उसी मिट्टी से देखिए मेटल बनता है, अलग अलग मेटल, चाहे लोहा हो, चांदी हो, गोल्ड हो, कुछ भी हो, सारे मेटल मिट्टी से ही बनता है, ओके। मिट्टी में अलग अलग उनके अणु परमाणु जो भी है, मैं फिजिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, तो उसके मिश्रण से कहीं ना कहीं मेटल बनती है। और फिर मेटल जो है जो जमीन के अंदर में होती है वो पानी को होल्ड करके रखती है। जो जल होता है देखो, तो आकाश तत्व के बाद में क्या है, उसके बाद जल है, राइट। एरो को आप देखिए, इससे समझ में आ जाए, जमीन के अंदर में जो पानी होती है उसको पकड़ के कौन रखता है, उसको पकड़ के रखता है ये सारे छोटे 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 जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, बहुत सूक्ष्म रूप में होते हैं लेकिन कंट्रोल हो जाते हैं नीचे की तरफ, लैटूज वगैरह होते हैं, अलग अलग उसमें लेयर्स होते हैं, वो जल को पकड़ के रखता है, वो एक बकेट की तरह काम करता है, उसको होल्ड करता है, पर वो पानी है नीचे में कंट्रोल, ठीक है, तो उसके ऊपर में जल खींचती है। अगर वो ना हो तो क्या होगा, पानी नीचे चला जाए और नीचे और नीचे और नीचे, जमीन पूरा सोख लेगा, पृथ्वी तो बहुत बड़ी। तो ये इसको कहते हैं साइकिल ऑफ क्रिएशन, और यही साइकिल ऑफ क्रिएशन हमारी ह्यूमन बॉडी में भी है और हमारे घर में भी है, ठीक है जी। तो देखिए आपके घर में जो है, और कलर पर भी आप ध्यान दें, नॉर्थ का जो जोन है वहां पर जो कलर आपके घर में होना चाहिए, ब्लू कर सकते हैं या ग्रीन भी आप ले सकते हैं, ठीक है, वहां पर वाटर होना चाहिए। ईस्ट का जो डायरेक्शन है आपके घर में, वहां पर आप गार्डनिंग कर सकते हैं, ठीक है, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, या फिर आपका वॉल अगर है, गार्डन की जगह नहीं है तो आप वॉल को ग्रीन कर लें। साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर आप किचन रख सकते हैं, अपना किचन करें, अगर किचन नहीं हो पा रहा है आपका, लिविंग रूम में बेडरूम में कुछ भी है, तो उसको रेड कलर से पेंट करा दें या ऑरेंज कलर कर लें। साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर आपका बेडरूम आइडियली होना चाहिए, या सीढ़ी हो सकती है, तो भारी होना चाहिए, पूरे घर में सबसे ज्यादा भारी वही डायरेक्शन होना चाहिए। वहां का जो कलर आपको करना चाहिए वो है येलो कलर। उसके बाद वेस्ट का जो डायरेक्शन है, वेस्ट का जो डायरेक्शन है मेटालिक वहां का कलर है, ठीक है, आप उसको पर्पल भी कर सकते हैं चाहे तो। वो जो डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, फाइनेंस की भी वो डायरेक्शन उसको कहा जाता है। अगर मान लीजिए आपके बिजनेस है, आप अकाउंटेंट है वगैरह वगैरह, तो आपके लिए बेहतर जो डायरेक्शन है वेस्ट की डायरेक्शन, आप वेस्ट के डायरेक्शन बैठ करके काम भी करेंगे तो बेहतर है, वहां पर स्टडी भी कर सकते हैं, बच्चों को वहां पर बिठा करके पढ़ाई वो भी अच्छा। तो ये होता है साइकिल ऑफ क्रिएशन, ये आपके घर में भी, इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो कलर भी घर में करवा सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं घर में कौन सा जगह में क्या है। अगर कुछ भी एंटी है, मान लीजिए कि
जैसे अग्नि है, जैसे साउथ ईस्ट के डायरेक्शन वो अग्नि का डायरेक्शन होता है। अब अग्नि के डायरेक्शन में अगर पानी आ जाए, पानी कहने का मतलब नॉर्मल पानी बाथरूम वगैरह आ जाए, या फिर मिरर आईना जो होता है घर में, हम आईना जो लगाते हैं वो भी वाटर की, वो जो उसका जो एलिमेंट होता है वो वाटर होता है। साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर पानी आ जाए या फिर मिरर भी आ जाए तो भी वो वास्तु दोष क्रिएट करता है, तो वहां पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि पानी क्या करता है, अग्नि अगर कहीं पर भी है जो अग्नि का जोन है वहां पर पानी आएगा तो अग्नि को नाश करेगा, बुझा देगा। सबको समझ में आ रहा है साइकिल? किसी को कोई डाउट है? कोई मुझसे पूछ रहा है कि प्लीज हमें रिकॉर्डिंग भेजिए। जी मैं रिकॉर्डिंग आप लोगों को भेज, ठीक है मैं आप लोगों को YouTube का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। हेलो सर, हाँ जी, एक क्वेश्चन था, अगर मिरर की फ्रंट ईस्ट में हो तो रूम साउथ में है, और मिरर की फ्रंट अगर ईस्ट में हो तो गलत या सही? मिरर का फ्रंट ईस्ट में कैसे, मतलब समझा नहीं, फ्रंट कैसे ईस्ट में? ड्रेसिंग टेबल जो है ना उसका जो मिरर है वो तो साइड में है, मींस और घर की माफिक से वो वेस्ट की है, और मिरर जो है उसका मुंह है ईस्ट की तरफ। कैन आई क्लियर? अच्छा, ईस्ट की तरफ है, ठीक है। वैसे उस जोन में होना तो नहीं चाहिए क्योंकि वो स्पेस का जोन है। अगर आप वेस्ट में आपने ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ तो वो कहीं ना कहीं आपका रूम की जो वेस्ट है, रूम की जो वेस्ट साइड है, मगर रूम है साउथ में। रूम का जो वॉल है वेस्ट नहीं होता, जोन होता है। कोई रूम का अपना कोई भी वेस्ट वैसे करके नहीं गिरते, वास्तु बहुत अलग तरीके से करते, वैसे नहीं। रूम कहाँ पर है? साउथ में ना, तो वो साउथ ही डायरेक्शन होगी, वो जोन तो साउथ ही है। अच्छा, जब आप ब्रीडिंग करिएगा तो वेस्ट तो नहीं निकलेगा, वो तो साउथ ही निकलेगा। तो उसका साइड कौन सा होना चाहिए मिरर का? आप नॉर्थ के तरफ में उसको रख देते, हालांकि वो भी दोष ही है लेकिन फिर भी ज्यादा दोष से कम दोष ही बेहतर। नॉर्थ में रख के फेसिंग साउथ, माने मिरर साउथ का फेस, माने उसमें साउथ का नॉर्थ के वॉल में रख दो, माने नॉर्थ की वॉल पे, नॉर्थ की वॉल पे फेस इन द साउथ। मैं आऊंगा मिरर पर आऊंगा, ठीक है, फेस टुवर्ड्स शुड बी मतलब मिरर, ठीक है। आपका जो आप जब मिरर को देख रहे हैं तो आप नॉर्थ की तरफ देखेंगे, कहने का ये मतलब। हां, क्लियर। ओके। तो उसी तरीके से देखिए, ये फाइव एलिमेंट्स जो है वो फायर है, मेटल है, अर्थ है, वुड है, वाटर है, गैलेक्सी A50 हैंड रेज। जी बोलिए, क्या पूछना है? सर, जो मेन एंट्रेंस है ना वो साउथ फेसिंग है तो कुछ प्रॉब्लम होता है, बिकॉज अभी कोई चॉइस नहीं है, साउथ में ऑलरेडी है। क्या कर सकते हैं? अब है तो है, देखिए साउथ बुरा, देखिए कोई भी डायरेक्शन बुरा नहीं है, लेकिन साउथ का जो डायरेक्शन है ना वो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा भी नहीं है। उसमें सिर्फ दो पद हमको, एक ही पद है जो कि अच्छा मिलता है, और मोस्टली वहाँ पर किसी को, बहुत कम लोगों को देखा गया है कि वो उस पद में उन्होंने इंटरेस्ट बनाया। सर ये भी सुना है कि अगर आप का फेस डोर का फेस साउथ में है एंड यू आर एंटरिंग फ्रॉम देयर, इसका मतलब आपका फेस तो नॉर्थ में हो गया ना। हाँ, तो वही तो दिक्कत है, आप कहाँ से रहे हैं, आप किस जोन से एंटर कर रहे हैं, वो जोन से मतलब फेस आपका कहाँ जा रहा है उससे ज्यादा मतलब नहीं है। सर एंट्रेंस नॉर्थ से है और मेन जो एंट्रेंस है जब भी अंदर घर में जाते हैं वो साउथ है। वो उस तरीके से करके देखने से नहीं, देखो मेन एंट्रेंस तो किसी किसी घर में दो एंट्रेंस हो सकती है, मतलब तो वो भी एक अलग मसला है। उसमें कई बार हम क्या करते हैं कि हमको प्लॉट ही ऐसे मिलती है जो जिसमें भी जो रास्ता है वो साउथ की तरफ, तो साउथ से ही एंट्रेंस हमको देनी पड़ती है और कोई ऑप्शन नहीं मिलता। तो कई बार हम ऐसा करते हैं, वैसे केसेस में हम ऐसा करवा देते हैं क्लाइंट का कि साउथ से ठीक है, मेन एंट्रेंस साउथ से हो, लेकिन घर में जब आप एंटर कर रहे हैं, क्योंकि आप तो एक गली छोड़ेंगे ना आपकी गाड़ी ले जाने के लिए या फिर आपको खुद जाकर के घर में एंटर, तो एक पैसेज हम छुड़वा देते हैं और वहां से जाकर को वेस्ट से या फिर ईस्ट से, मोस्टली ईस्ट से हम उनका एंट्रेंस जो एक्चुअल में जो घर है वो उसको हम ईस्ट से करवा देते हैं। तो ऐसी भी चीजें हम करवाते हैं। नो, मेरा जो मेन एंट्रेंस है मैडम, उस तरीके से हम चीजें नहीं ले सकते। हम अभी सीख रहे हैं, आपका केस स्टडी लेंगे तो फिर हमारा ये जो मैं सिखा रहा हूँ जरूर सिखा देंगे, ठीक है। अगर आपको कंसल्ट करना है तो पर्सनल कंसल्टेशन आप मुझसे लीजिए या किसी व्हाट्सएप भी ले सकती है आपके ऊपर, हम पहले सीख लें, अभी मेन एंट्रेंस पर ये आ गए। ओके,
ओके यहाँ पर देखिए आपको शायद इस कुछ जवाब यहीं पर मिल गया आपको। देखिए मेन एंट्रेंस का मान तो सबसे ज्यादा है आपके घर में, ओके कहाँ पर होना चाहिए आप देखो, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट, ओके जी। मेन एंट्रेंस कहाँ होना चाहिए, जैसे मैंने बोला कि हर जोन में आठ पद होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है, और यहाँ पर फिर एक नया पेड़ हो जाएगा, टोटल 32। नॉर्थ की तरफ में जो बेहतर है ठीक है, अब देखो यहाँ से आप चाहे तो गिन सकते हैं N1, N2, N3, N4, N5, N6 इस तरीके से गिन सकते हैं ठीक है। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है मोस्टली हम जो कहते हैं कि N4, N5 वो जो होता है वो बेहतर है, तो जो टिक मार्क आप देख पा रहे हैं वो हिस्सा में आप चाहे तो अपना एंट्रेंस आप रख सकते हैं नॉर्थ की तरफ। मान लीजिए आपके नॉर्थ की तरफ से एंट्रेंस नहीं मिल पा रही है, सबसे बेस्ट जो एंट्रेंस मानी जाती है वो होता है ईस्ट के डायरेक्शन में, एग्जैक्टली ईस्ट ओके, वो सबसे बेहतर है, नॉर्थ से भी बेहतर है ईस्ट का डायरेक्शन, क्योंकि सूर्योदय जब होती है वो ईस्ट के डायरेक्शन से होती है, वो आपको हेल्थ भी देता है वेल्थ भी देता है। और जो ईस्ट का जो डायरेक्शन है वो है इंद्र का डायरेक्शन, आज आपको मैंने ग्रहण कराया ना इंद्र, तो इंद्र का डायरेक्शन, तो इंद्र कौन है, इंद्र उसको देखिए आपने सीरियल्स वगैरह में देखे होंगे, इंद्र वो है जो कि अपने गति को लेकर अपनी सत्ता को लेकर हमेशा खड़ा रहता है, भैया मेरी गति है, मेरा स्वर्ग लोग है, मुझे पैसा चाहिए, वैभव चाहिए वगैरह वगैरह, सब ईस्ट है, ईस्ट का डायरेक्शन से मिलता है। तो सबसे बेस्ट मैं मानता हूँ कि ईस्ट का डायरेक्शन, हालांकि नॉर्थ भी बहुत अच्छा है नो डाउट अबाउट इट, लेकिन ईस्ट उससे भी ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वो हेल्थ भी देता है। साउथ में अगर आप लेते हैं, साउथ में अगर आपको नहीं देते साउथ में, प्लीज अपने आप को म्यूट करके रखिए। साउथ से अगर आपको एंट्रेंस मिल रहा है तो साउथ का जो डायरेक्शन है उसमें कहते हैं S4, एक डायरेक्शन है जिसको S4, क्योंकि मैंने दिखाया था ना S1, S2, S3, S4, S5, S8 S4 का जो डायरेक्शन है उसमें आप चाहे तो एंट्रेंस ले सकते हैं। मान लीजिए S4 आपका प्लॉट ही बहुत छोटा है, S4 पे एंट्रेंस ही आपको बहुत छोटा मिल रहा है, तो आप S3 को भी इसमें इंक्लूड करें, S3 एंड S4 को कंबाइन करके आप घर का एंट्रेंस बनाइए तो बेहतर होगा। सपना जी प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, आपका बैकग्राउंड। उसी तरीके से वेस्ट का जो डायरेक्शन है सो वेस्ट में भी जो है आप दे सकते हैं मिडिल का जो पाथ है आप उसको चाहे तो ले सकते हैं ठीक है, अदरवाइज थोड़ा सा टिल्टेड टुवर्ड्स दी नॉर्थ। आप यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये नॉर्थ है ठीक है, ये ऊपर में नॉर्थ है, ये ईस्ट है, दिस इज साउथ एंड दिस इज वेस्ट। तो ये जो देख पा रहे हैं जहाँ पर ये लाइनिंग बनी हुई है ये हिस्से में अगर आप चाहें तो अपना मेन गेट बना सकते हैं तो अच्छा होगा, लेकिन बेस्ट मैं बोलता हूँ ईस्ट का साइड बेस्ट। साउथ की तरफ में उसको करना वो कर सकता है S4 S3 वो ले सकता है अगर जिसका कि खुद बिजनेस है, अगर वो बिजनेस मैन है तो साउथ के डायरेक्शन में वो अपने घर के एंट्रेंस कर सकता है तो अच्छा साबित। अगर आप खुद ही जॉब कर रहे हैं किसी और के वहाँ पर तो शायद आपके लिए उतना लकी, आप ठीक है आप दे सकते हैं ऐसा कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन शायद वो उतना लकी साबित नहीं होगा। बहुत बिजनेस वाले लोग आते हैं उनको हम साउथ का हम फेसिंग घर देते हैं, S4 S3 को मिलाकर कंबाइन करके उनका दरवाजा हम खुलवा देते हैं एंड दे अर्न क्रेडिट, वो बिजनेस मैन के लिए अच्छा है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम ये है कि साउथ के डायरेक्शन से जब भी आपका घर होगा ना तो परिवार कभी भी साथ में बैठ कर खाना नहीं खाता, तो आप देखो कि इतना ज़्यादा बिजी कर देगा परिवार को खास करके मेल मेंबर्स को कि एक साथ में बैठ करके खाना खाना या एक साथ में कुछ भी करना बहुत कम हो पाता, बहुत बिजी कर देगा। आई होप कि मेन एंट्रेंस की आपको डायरेक्शन समझ में आ गई होगी कहाँ पर उचित है। यस सर, यस यस। देखिए अब हम हाउस की ग्रिड हम कैसे बनाते हैं, हालांकि ग्रिड बनाना एक अलग उसका तरीका है ओके, लेकिन नॉर्मली अगर आपका घर का जो प्लान होगा तो कुछ इस तरह से अगर आप प्लान को खोल करके देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइनिंग्स है ये ग्रिड किया हुआ है, ये मैंने ऐसा उठाया है कि आपको दिखा सके। ग्रिड हम कैसे करते हैं, मैनुअली भी करते हैं, ऑटो कैड एक सॉफ्टवेयर आती है उसके द्वारा भी करते हैं ठीक है, ये मैनुअली किया हुआ है या आप ऐसे भी कर सकते हैं चाहे तो ऑटो कैड से भी कर सकते हैं चाहे, और करके हम निकालते हैं कि कौन से डायरेक्शन में क्या आ रहा है। अब जैसे देखिए यहाँ पर एनी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए बालकनी है, तो कहने का मतलब है इनके एनी में बालकनी है जो कि बहुत अच्छी बात है ठीक है ना। स्टेयरकेस देखिए
डब्ल्यू एन डब्ल्यू में आ रहा है, जो कि ठीक है, अच्छी बात, कोई बुरा नहीं। ओके, इनका देखिए साउथ साउथ वेस्ट और साउथ साउथ वेस्ट में, साउथ साउथ वेस्ट में इन्होंने ये देखो, ये जो है ये टॉयलेट है, ये टॉयलेट अटैच है और एक ये इस बेडरूम से आ रहा है, ये बेडरूम का टॉयलेट यहाँ पर है, इस बेडरूम का टॉयलेट यहाँ पर, उन्होंने टॉयलेट बना रखी है विच इज गुड। ओके, बेडरूम भी साउथ वेस्ट में आ जा रहा है विच इज गुड। ठीक है, तो ये वास्तु कंप्लायंस के हिसाब से कहीं ना कहीं बनाया हुआ है, तो चीजें ठीक ठाक है। But इसमें सेंटर is not looking at the center of the house. हाँ जी, नहीं उसके पीछे का कारण क्या है ना कि इसको जब हम ग्रेड करते हैं उसके पीछे का देखिए इस घर में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो जो है ना इसमें साउथ वेस्ट बढ़ा हुआ है। आप देखो ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये यहाँ पर आकर के ऐसे ये जो साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है ये बढ़ा हुआ है, मतलब इसको हम वास्तव में कहते हैं साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड। ठीक है जी, साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, हालांकि साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन हम है तो है, क्या कर सकते हैं। तो इसको जब हम ग्रेडिंग करते हैं तो ग्रेडिंग करने का मैं देखता हूँ, अगर मैं आप लोगों को दिखा दूँ हम कैसे करते हैं उसको, मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। इसको जब हम ग्रेडिंग करेंगे ना तो हम ये मान लेंगे कि ये जो डायरेक्शन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेंगे, ठीक है जी। ओके, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना कॉर्नर, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, तो यहाँ तक ले लिया। ओके, अब जस्ट बिकॉज ये जो एक्सटेंडेड एरिया है तो इसका मतलब ये है कि इसको हम ये जो सीधा यहाँ तक इसको हम वर्चुअली ले लेते हैं। ओके, इसको हम मान लेते हैं कि ये एरिया है, ग्रेडिंग करते समय वर्चुअली हम ले लेते हैं, हालांकि एक्चुअल में नहीं है लेकिन ग्रेड करने के लिए हम इसको वर्चुअली मान लेते हैं जस्ट बिकॉज साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है। तो हम करते क्या है कि इस ग्रेड को फिर हम यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ से अगर हम ले इसी को मान लेते हैं, यहाँ से लेकर के फिर हम लेकर के जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया है यू कैन सी दिस एरिया एंड दिस एरिया, इसको हम मान लेते हैं कि ये वर्चुअली प्रेजेंट है लेकिन एक्चुअल में नहीं है, समझ में आ रहा है सबको। ये जो एरिया इसको वर्चुअली हम मान लेते हैं कि है जस्ट बिकॉज साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड है, तो ग्रेडिंग करते समय मान लेते हैं। किसी के बैकग्राउंड बहुत नॉइज आ रही है, प्लीज अपने आप को म्यूट करते रहो। क्लियर है, तो जस्ट बिकॉज ग्रेडिंग करते समय हमको सेंटर निकालने के लिए देखिए सेंटर यहीं पर आएगी क्योंकि इसको हम लोगों ने वर्चुअली मान लिया। बट एक्चुअली सेंटर विल बी नॉट दिस, दो वी हैव टेकन समथिंग व्हिच इज नॉट कंस्ट्रक्टेड। हां, लेकिन जब हम वास्तु की ग्रेडिंग करते हैं तो हम इसी तरीके से करते हैं क्योंकि एक हिस्सा आपका एक्सटेंडेड है इसलिए। सर एक चीज बताइए सर, ये कोना कटा हुआ नहीं होना चाहिए किसी भी नहीं होना साइड से? नहीं होना चाहिए, ना तो एक्सटेंडेड होना चाहिए ना तो कटा होना चाहिए, वो भी दोष है। नहीं सर, जैसे मान लो ये एक्सटेंडेड है, अगर जो कटा हुआ कोना है वो भी एक्सटेंड कर देते तो बराबर हो जाएगा। एक मिनट, इस प्लॉट को जब हम ग्रेडिंग करने जाते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू या मैनुअली तो हम क्या करते हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं मैंने रेड कलर से बनाया अभी, ठीक है, हम इस तरीके से मान लेते हैं। दो हम जो देख पा रहे हैं यहाँ पर वो ये है कि साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वो एक्सटेंडेड है, राइट। इसके बावजूद हम मानते कुछ और है जस्ट वर्चुअली, ताकि हम इसकी सही सही ग्रेड निकाल पाए कि एक्चुअल सेंटर कहाँ पर आएगा। तो एक्चुअल सेंटर आएगा जहां पर ये किया हुआ है उस तरीके से। ये जब कोर्सेज वगैरह अगर आपको करना होगा तो 21 तारीख से मेरी कोर्स स्टार्ट हो रही है, अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहें तो उसको मैं बताऊंगा कैसे हम करते हैं उसको, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सेंटर को यहाँ पर लेंगे, फिर एक दूसरे सेंटर को यहाँ से यहाँ पर लेंगे, ठीक है, देखिए यही आ गया। लेकिन ये जो एरिया है, ये जो एरिया आप जो देख पा रहे हैं ये एरिया आपका नहीं है, जस्ट बिकॉज ये बढ़ा हुआ है तो इसको हमको स्क्वायर बना करके ही हम ग्रेडिंग कर सकते हैं, बिना स्क्वायर बनाए हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते, इस वजह से हमको वो करना पड़ा वर्चुअली। आई होप कि ये क्लियर है। सबको समझ में आया? Yeah, but see, it is, I will consider it, let's say 20% area is constructed in that extra area. Balance is khali. तो खाली है लेकिन ग्रेड करते समय हमको उसको मानना पड़ेगा।
बट 20% के लिए वी हैव एक्चुअली डिविएटेड फ्रॉम द एक्चुअल सेंटर. तो उस देखिए दो चीजें हम कर सकते हैं, या तो इस एरिया को जो एक्सटेंडेड है उसको हम पूरा काट दें. उसको काटने का भी तरीका होता है, काटने मतलब डिमोलिश करना नहीं होता, काटने का मतलब एकदम अलग है, उसको घर से हम अलग करते हैं. इट विल गिव मोर वर्किंग इट मोर एक्चुअल सेंटर देन. इफ यू इग्नोर दैट पार्ट प्रोबेबली यू विल गेट द मोर एक्चुअल एरिया सेंटर. किसी ने राम मंदिर का नक्शा देखा है अभी तक जो राम मंदिर बन रही है? आई एम श्योर कि देखा होगा. देखिए आप देखिए, या किसी भी मंदिर का आप देख लीजिए, आप देखिए तो वो स्क्वायर नहीं होता कभी भी. आप देखिएगा कि वो स्क्वायर नहीं होता कभी भी, ओके? लेकिन जब उसकी ग्रेडिंग करके जब बनाई जाती है ना, तो स्क्वायर मान करके, वर्चुअली स्क्वायर मान करके ही बनाई जाती है. ओके, ठीक है, ये एक नियम है, वो अभी यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है एक छोटी सी सेशन में. ओके, ठीक है ना. आप कभी भी नक्शा उठा करके देखिए किसी भी मंदिर का, ओके? आप देखेंगे कि वो स्क्वायर नहीं होता, उसका एंगल ही अलग होता है. उसमें आपको अगर आप देखने के ठीक से देखने की कोशिश करेंगे, आपको ऐसा लगेगा वास्तु पुरुष सोया हुआ सीधा ओवल शेप जैसा. हाँ, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा वास्तु पुरुष सोया हुआ, सर ऊपर ऊपर उठा हुआ, दैट इज डॉम, ओके? और नीचे का हिस्सा आगे जाकर के उठा हुआ, दैट इज लेग. ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा. आप चाहे तो गूगल में सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा ऐसे बहुत कुछ जो कि एक्सप्लेन किया उसने. सो दैट इज वन थिंग. सर पर ये खाली एरिया को भी हम ले रहे हैं तो उससे हमारा जो सेंटर एग्जैक्ट तो नहीं आएगा सर वो? हाँ जी, अगर हम उसको वर्चुअली ले रहे हैं ग्रिड में, देखिए तो आपके एक्चुअल सेंटर तो नहीं आएगा. आपके मानने के लिए एक्चुअल सेंटर तो कुछ और है, ठीक है. हाँ जी, लेकिन जो वास्तु का काम कर रहा है ना, उसको तो इस जोन को तो छोड़ नहीं सकता वो, राइट? उसको तो सेंटर निकालना है जहां पूरे प्लॉट का, और उसके अकॉर्डिंग उसको जोन डिवाइड करना है. सर अगर इसको एक्सटेंडेड को छोड़ दे तो किसको तो छोड़ दे तो फिर उसको काटना पड़ेगा, तो फिर यहां से लेंगे तो यही होगा कि ये जो एरिया है ये घिसक करके यहां पर जाएगा. हाँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. तो वास्तु का करने का तरीका अलग है, इसीलिए ग्रेडिंग बहुत जरूरी है, इसको सीखना बहुत जरूरी है. ओके, सम होम टिप्स आप जो कर सकते हैं, कौन से डायरेक्शन में क्या होना चाहिए आपके घर में, वो आप देख सकते हैं. तो नॉर्थ का जो डायरेक्शन होता है, आप वहाँ पर वैल्यूएबल रखें, मनी रखें, बालकनी वहाँ पर हो सकती है आपकी, मेन डोर एंट्रेंस हो सकती है वहाँ पर, लिविंग रूम आप. नॉर्थ ईस्ट का जो डायरेक्शन है, वाटर एलिमेंट का जो डायरेक्शन है, वहाँ पर अगर आप चाहें तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक हो सकता है. अंडरग्राउंड, ओवरहेड नहीं, ओवरहेड करिएगा तो दोष है, अंडरग्राउंड है तो बढ़िया. पूजा रूम तो बिल्कुल सबसे बेस्ट जगह है पूजा रूम, वहाँ पर बैठ करके आप मेडिटेशन करिए बेहतर है. बच्चों के भी रूम आप वहाँ पर रख सकते हैं, पॉश रख सकते हैं, पॉश बना सकते हैं, बरामदा बना सकते हैं, बालकनी बना सकते हैं, बेहतर है. ईस्ट का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में आप मेन एंट्रेंस, सबसे बढ़िया चीज़ है ईस्ट के डायरेक्शन में मेन एंट्रेंस वहाँ पर आप, अगर आप चाहें तो बाथरूम बना सकते हैं, लेकिन टॉयलेट नहीं, बाथरूम जहाँ पर आप बात करें या हाथ धोएं, ऐसी चीज़ें करें. ओपन स्पेस वहाँ पर हो सकती है, ठीक है, फ्रेंच विंडोज हो सकती है वहाँ पर, वो भी अच्छा, क्योंकि हवा आएगी वहाँ से, ठंडी हवा आएगी तो वो भी अच्छा. साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, फायर एलिमेंट की डायरेक्शन है, वहाँ पर आप किचन आपकी होनी चाहिए, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, अगर मानिए वहाँ पर किचन नहीं है, ठीक है, आपका जनरेटर रूम है घर में या इलेक्ट्रिक मीटर रूम, तो वो भी साउथ ईस्ट में ही होनी चाहिए. ओके, साउथ का जो डायरेक्शन होता है, वहाँ पर बेडरूम आपका हो, टॉयलेट भी हो सकता है, स्टेयरकेस हो सकता है, हैवी स्टोरेज रूम भी हो सकता है, हैवी आइटम्स जो है साउथ का. देखो आपके घर में जो साउथ का जो डायरेक्शन होता है ना, वो हमेशा हैवी होना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉर्थ. नॉर्थ हमेशा नीचा होना चाहिए, इट शुड बी टिल्ट, नॉर्थ शुड बी लाइक दिस, साउथ शुड बी लाइक दिस, साउथ ऊंचा, नॉर्थ नीचा, ठीक है. अगर मानिए नॉर्थ आपका ऊंचा हो गया, साउथ नीचा हो गया, कितना भी बढ़िया आपका वास्तु के अनुसार घर बनाओ, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. ओके, सो इसलिए हम क्या करते हैं, साउथ के डायरेक्शन में वो हैवी करते हैं. वहाँ पर जितना भी हैवी आइटम्स घर में होते हैं, अलमीरा वगैरह वगैरह, बेडरूम भी है, क्योंकि बेडरूम में अगर आप देखो तो आपका बेडरूम होता है वो भी भारी होता है, तो ऐसी चीज़ें हम साउथ के डायरेक्शन में रखते हैं तो वो बढ़िया होता है. साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है, दैट इज मास्टर बेडरूम. आपके घर का जो मास्टर बेडरूम है, जहाँ पर आपके पिताजी आप सोएंगे, या घर का जो कमाने वाला मेन मेंबर जो कमा है, उसको उस डायरेक्शन में सोनी चाहिए, ठीक है. इसके अलावा वहाँ पर अगर आप चाहें तो स्टोरेज रूम भी बना सकते हैं, स्टेयर केस भी अगर आप चाहें तो बना सकते हैं.
वेस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर डाइनिंग रूम आपका हो सकता है बेस्ट है डाइनिंग रूम के लिए। वेस्ट का डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है। ओवरहेड वाटर टैंक जो ओवरहेड जो सिंटेक्स होती है ना सिंटेक्स वगैरह उसको आप वेस्ट के डायरेक्शन में रखें तो बहुत अच्छा। इसके अलावा फूड ग्रेन्स अगर स्टोरेज पहले के समय में देखिए क्या होता था कि लोग खेती किया करते थे और उनके जितने भी जो खेती से अनाज उत्पन्न हुआ जो भी उत्पन्न हुआ उसको उठा करके स्टोरेज में रखते थे। आज भी गाँव में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे ऐसी प्रथा है। प्रथा क्या मतलब वो एक है अपनी जरूरत की चीज़ स्टोर करके रखते हैं उसका जो डायरेक्शन हुआ करता था वो वेस्ट का डायरेक्शन हुआ करता था। ठीक है वहाँ पर अगर आप चाहें तो टॉयलेट भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है वहाँ पर बेडरूम कर सकते हैं बेडरूम फॉर मोस्टली गेस्ट रूम वो बनाएंगे नॉर्थ वेस्ट का डायरेक्शन क्योंकि नॉर्थ वेस्ट का जो डायरेक्शन है एयर एलिमेंट है एयर क्या है उड़ता है राइट या बहता है। नॉर्थ वेस्ट में जो भी रहेगा ना वो जल्दी निकल जाएगा। कहने का क्या तात्पर्य है मैरिड अनमैरिड गर्ल को अगर आप कटिंग क्योंकि उसको शादी करके किसी पराई घर ही जाना है किसी और के घर कोई घर ही जाना है तो अनमैरिड लड़की को वहां पर सुनाइए तो जल्दी शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लड़का अगर सोता है तो ऐसा हो सकता है कहीं दूसरी जगह उसका जॉब लग जाए वो घर छोड़ के चला जाए छोड़ के कहने का मतलब शिफ्ट हो जाए ऐसा भी हो सकता है तो इसीलिए लड़कों को नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में नहीं सुनाना चाहिए। गेस्ट आ रहे हैं अब किसको अच्छा लगेगा गेस्ट आकर के एक महीना आपके घर में रहे किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा तो गेस्ट का जो रूम होता है वो नॉर्थ वेस्ट के रूम में रखिए। आएंगे खुशी खुशी आएंगे और खुशी खुशी जाएंगे एक महीना रहेंगे तो कलेश मचाएंगे ये ध्यान रखिए। ओके तो नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आप उनको रख सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर अगर आप चाहें तो सेप्टिक टैंक के ऊपर में आप वहाँ पर अगर आप चाहें तो रख सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं। पार्किंग के लिए सबसे बेस्ट जगह है ये। अगर मान लीजिए किसी के भी घर में साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में उनको किचन का जगह नहीं मिल पा रहा है साउथ ईस्ट के डायरेक्शन ऐसा है कि वहाँ पर किचन नहीं मान लीजिए मेन एंट्रेंस हो गया कुछ ऐसा हो गया तो आप नॉर्थ वेस्ट का जो है वो सेकेंड ऑल्टरनेटिव किचन के लिए नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में किचन का ये कुछ हो गया वास्तु टिप्स आपके लिए जहाँ पर आप जो भी चीज आप घर में रख सकते हैं। आप वेस्ट का डायरेक्शन ऑल्टरनेटिव है सर आपने बोला है प्लांट ईस्ट में रखने होते हैं तो व्हाई तुलसी इन साउथ वेस्ट। तुलसी एकमात्र पौधा है जिसको कि आप साउथ ईस्ट में रख सकते हैं और कोई भी पौधा नहीं ठीक है। प्लांट यूजुअली आप नॉर्थ में रखें साउथ वेस्ट सर प्लांट प्लांट जो है यूजुअली आप ईस्ट में रखिए या नॉर्थ में रखिए तो बेहतर है। तुलसी को भी आप ईस्ट में ही रखें या नॉर्थ में रखें तो बेहतर है ठीक है। लेकिन साउथ ईस्ट में वो इसलिए वहां पर मेंशन किया देखो और भी और कहीं पर भी प्लांट मेंशन नहीं किया साउथ ईस्ट में स्पेशली मेंशन किया हुआ साउथ वेस्ट में स्पेशली मेंशन किया हुआ। उसके पीछे का कारण ये है कि साउथ वेस्ट में एक्चुअल में ग्रीन होना ही नहीं चाहिए कुछ भी ग्रीन नहीं होना चाहिए वहां पर येलो कलर होना चाहिए या कुछ भी जो भी चीज येलो होती है वो होना चाहिए लेकिन तुलसी एक्सेप्शन है वहां के लिए। अब क्यों एक्सेप्शन है इसके पीछे का कारण क्या तुलसी क्या है ना 24 घंटे आपको ऑक्सीजन देती है ओके okay? और साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन है वहां पर आप मास्टर बेडरूम कर सकते हैं ओके okay? मानिए मास्टर बेडरूम है तो वहां पर तो तुलसी ऑफकोर्स आप नहीं रखें मान लीजिए स्टेयर केस है तो शायद आप तुलसी फिर भी कोई जगह बना करके वैसा या आप चाहें तो रख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो वो तुलसी का एक एक्सेप्शन है और कोई चीज़ का नहीं। आइडियली आपको जो गार्डनिंग करनी है आप नॉर्थ में करिए या बेस्ट जो डायरेक्शन है ईस्ट का डायरेक्शन। एंड मनी प्लांट ऑल्सो कम्स इन नॉर्थ ईस्ट Naughty. उसके रिलेटेड अभी मैं आप लोगों को टिप्स दूंगा कुछ कुछ ठीक है। आई होप कि थोड़ा समय आप लोगों के पास में है जाइएगा नहीं आप लोगों को बहुत सारी रेमेडीज वगैरह मैं दूंगा। सर वन मोर थिंग आई हैव टू आस्क इसमें सर कहीं पे भी डस्टबिन मेंशन नहीं है उसके लिए कौन सी डायरेक्शंस होती है दे आल्सो कम अंडर टॉयलेट्स एंड दिस एरिया डिस्पोजल लोगों को हां एग्जैक्टली डिस्पोजल बताया था ना डिस्पोजल की एरिया कौन सी है SSW एक चीज मैं दिखाता हूँ अदरवाइज मैं ऑटोकैड वगैरह से दिखाता हूँ।
गूगल अर्थ से हम कोई भी जगह को हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, या उसका एरिया वगैरह हम कैसे देख सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये गूगल अर्थ है, आपको सबको स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, गूगल अर्थ अर्थ की पिक्चर दिखाई पड़ रही है? नहीं, गूगल अर्थ है, आप अगर चाहें तो ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, या तो चाहें तो गूगल अर्थ की एप्लीकेशन होती है वो डाउनलोड कर। मोस्टली हम लोग ऑटोकैड से करते हैं, सॉफ्टवेयर से करते हैं, गूगल अर्थ की जरूरत पड़ती है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि कैसे हम डायरेक्शन को देख सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे सर्च करना है कोई भी चीज, कोई भी जगह के बारे में, कौन से जगह ले, चलो ताजमहल लेते हैं, बहुत फेमस है, ज्यादातर लोग ताजमहल लेते हैं। ताजमहल, ताजमहल में सर्च करता हूँ, ठीक है जी, अर्थ में, गूगल अर्थ, और ये जो है सैटेलाइट इमेज होती है, अब देखो ताजमहल आ रहा है। सबको दिखाई पड़ रहा है, पहुंच गया ताजमहल? यस सर। टिकट लगा? यस नहीं, यस किसको लगा टिकट, किसको टिकट लगा ताजमहल पहुंचने के लिए? यस टाइम ही नहीं लगा, टिकट कहाँ लगेगा? तो ये हो गई ताजमहल, हम ताजमहल पहुंचे। नेट लगता है सर, टिकट नहीं, नेट लगता है। तो आप यहाँ पर नीचे देखिए कि हम गूगल अर्थ इंटरनेट, सुन लीजिए मुझे, गूगल अर्थ के द्वारा हम कैसे किसी भी जगह का हम चाहे तो सैटेलाइट इमेज देख सकते हैं और उसको इवैल्यूएट भी हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्या, बहुत बहुत ऑप्शन आपको मिलते हैं, आप चाहें तो कर सकते हैं। ये ताजमहल हम पहुँचे, ये नीचे में देखिए, ये जो आपको दिखाई पड़ रही है, ये ऊपर में जो एरो है, ये कंपस एरो है, तो ये दिखा रही है नॉर्थ को, ये जो रेड एरो है ये नॉर्थ को दिखाई पड़ रही है। इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एग्जैक्टली ये नॉर्थ मुझे दिखाई पड़ रही है, ठीक है, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, अलाइन करता हूँ, ठीक है। अब देखिए आपको दिखाई पड़ेगा ये हमारा ताजमहल है, उसके उत्तर की तरफ में वाटर एलिमेंट है, ठीक है। देखो ताजमहल मुगलों ने बनाई थी, हालांकि उसके पीछे बहुत मिथ है, जो पहले वो मंदिर हुआ था ताला वगैरह वगैरह, वो अलग अलग चीज़ है, मिथ है, रियलिटी हमें नहीं पता। लेकिन ताजमहल भी कितना वास्तु के अनुसार है वो आप देख सकते हैं। नॉर्थ में मैंने क्या बताया था, वाटर होनी चाहिए, यहाँ पर देखिए यमुना दिखाई पड़ रहा है, यस यमुना। इसमें देखिए जो एंट्रेंस है साउथ की है, हालांकि वो जो महल है वहाँ पर कोई रहा तो कोई खास कोई नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए कुछ लोग हंटेड भी जाते हैं, अलग बात है। इसकी जो आप बड़ी बड़ी जो पहले के महलों को अगर आप देखेंगे ना, तो उनको आप देखेंगे कि उनकी उनकी जो एंट्रेंस होती थी वो आइदर ईस्ट से होती थी या तो फिर साउथ से होता था। उसके पीछे का बहुत कारण था, अभी हमारे पास उतना समय नहीं, वो हम बता पाए। लेकिन अगर मान लीजिए हमको इसको देखना है, बंद कर दो प्लीज, अपने आपको म्यूट कर दीजिए, ठीक है। ताजमहल जो हमको दिखा रहा है गूगल अर्थ, वो एग्जैक्ट नॉर्थ में, राइट, आप देखिए एकदम नॉर्थ है, क्योंकि गूगल अर्थ जो दिखाता है वो एकदम एग्जैक्ट नॉर्थ में दिखा रहा है। हमको अगर मान लीजिए इसकी एरिया को मेजर करना है, ये इसकी एरिया कितनी, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, अब आप चाहें तो इसको थोड़ा सा छोटा रखें, अब देखिए हम चाहें तो ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ठीक है। देखिए मैंने कॉर्नर लिया है, इसके टोटल प्लॉट को लेते हैं, यहाँ से इस गेट से, एक्चुअली गेट तो यहाँ पर है, यहाँ से लेते हैं। ये ताजमहल के टोटल एरिया हो गया, आप देखिए यहाँ पर आपको पैरामीटर दिखाई पड़ रहा है, एरिया, अगर आप चाहें तो अलग अलग तरीके से आप इसको देख सकते हैं, आप अपने मापदंड के हिसाब से, यार्ड में अगर आपको देखना है यार्ड देख लीजिए, अगर आपको उसको भी चाहे तो आप कुछ हद तक मेजर कर सकते हैं, कितना एक्यूरेट आएगा वो उसकी गारंटी मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जब आप अपने घर को देखते हैं तो कई बार वो अपडेटेड होता है नहीं होता, आप आस पास के भी कुछ एरिया को ले लेते हैं, पिन पॉइंटेड तो बेस्ट वही होता है जब वास्तु वाला या फिर कोई जो
जो ड्राइंग जो करता है ऑटो कैड वाला खुद आकर के मेजर करके लेके जाता है, लेकिन मोटा मोटा आपको समझ में यहाँ से आ जाता है। ये ताजमहल के बारे में हमने देखा किस तरीके से हम एरिया को देख सकते हैं। इसकी भी हम हेल्प लेते हैं, मान लेते हैं व्हाइट हाउस को लेते हैं, जो जहाँ पर यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं। चलो ताजमहल से चलते हैं अमेरिका, अब हम पहुंच गए अभी वॉशिंगटन डीसी। ये हम पहुंच गए वॉशिंगटन डीसी और ये है व्हाइट हाउस जो अब घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है जी। इसको देखते हैं कि ये कौन से डायरेक्शन में है, इसकी जो एंट्रेंस है और देखिए ये हो गया व्हाइट हाउस। कौन से देखिए ये नॉर्थ है, ये व्हाइट हाउस है। इनकी भी देखिए एंट्रेंस जो है वो साउथ से इनकी एंट्रेंस है। अगर आप इसको भी अगर आप मेजर करना चाहेंगे तो जाने तक कर सकते हैं, यहाँ पर सेम फंडा है मेजर करने का। हालांकि ये तो एरिया बहुत बड़ा है, इनका जो एरिया है वो काफी बड़ा है और वो कंप्लीट स्क्वायर भी ठीक से नहीं है। देखिए इनको अगर देखना हो तो व्हाइट हाउस की आई यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, फिर यहाँ पर ये जो स्ट्रीट है, मैं तो कभी यूएस गया नहीं तो आई डोंट नो कौन सी स्ट्रीट है, देखने से पता चलेगा। तो देखिए इस तरीके से व्हाइट हाउस की हमने एरिया निकाल लिया टोटल, ये हम गूगल अर्थ के द्वारा भी हम चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है जी। ये समझ में आ रहा है सबको? यस नो, आपको सबको ही को सुनाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है? सबको आवाज आ रही है मेरी? आ रही, प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है। आ रही सर, आ रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं वास्तु में डूज एंड डोंट्स। तो थोड़ा सा समय और लूंगा मैं, प्रॉब्ली 10-15 मिनट मैं आप लोगों को कुछ रेमेडीज भी बताऊंगा यहाँ पर आज के सेशन में। सो सम डूज एंड डोंट्स जो कि आपको करने चाहिए नहीं करने चाहिए। वास्तु स्टेट्स दैट, किसी का बैकग्राउंड में नॉइज आ रहा है, प्लीज अपने आप म्यूट करके रखें। वास्तु स्टेट्स दैट इंद्र द किंग ऑफ गॉड रूल्स द ईस्ट, ठीक है। सो द ईस्टर्न का जो डायरेक्शन आपका आपका होना चाहिए वो हमेशा नीट एंड क्लीन आकर रखें। जितने भी ग्रीन कलर से आपको दिखाई पड़ेगा वो डूज है जो आपको करने चाहिए। तो ईस्ट के डायरेक्शन को अगर आप यू नो इफ यू आर कीपिंग इन द ईस्टर्न डायरेक्शन क्लीन दैट विल गिव यू मोर प्रॉस्पेरिटी, दैट्स इट द डायरेक्शन ऑफ इंद्र। नंबर टू, इफ इन केस यू आर प्लेसिंग द नंबर प्लेट, अगर मान लीजिए आपकी जो जो घर की जो एंट्रेंस है वो ईस्टर्न डायरेक्शन से है, राइट। सो व्हेन इंस्टॉलिंग अ नेम प्लेट फिक्स इट एट द चेस्ट लेवल ऑफ द पर्सन, आपका जो चेस्ट है ठीक है, चेस्ट लेवल पर आपका होना चाहिए, राइट। जरूरी नहीं है ईस्ट का डायरेक्शन किसी भी डायरेक्शन में अगर आपका हो तो चेस्ट लेवल पर रखें तो बेहतर है, इससे ज़्यादा ऊपर भी ना रखें ज़्यादा नीचे भी ना रखें, ऑब्वियसली नहीं होगा। नंबर थ्री, कीप ऑल इंपॉर्टेंट पेपर्स लाइक सर्टिफिकेट, जो भी इंपॉर्टेंट आपके जो भी पेपर्स हैं ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन टू इंश्योर कॉन्फ्लिक्ट फ्री फ्री लाइफ। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर मान लीजिए वहाँ पर मंदिर नहीं है और कोई आपका बेडरूम है या कोई जगह है जहाँ पर आप रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट पर रखें, अदरवाइज आप चाहें तो साउथ में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एक आपको घर में ऐसी पिक्चर आपको रखनी चाहिए जिसमें कि आपकी एक अच्छी सी हंसती खेलती हुई पिक्चर हो, जिसमें आपका नाम लिखा हो, उसको अगर आप रखते हैं और आप अपने रूम में अगर आप लगाते हैं ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपको फेम देता है, वेल्थ देता है, प्रॉस्पेरिटी, जिसको नाम आपका मेंशन है तो अच्छा। नंबर फाइव, लाइटिंग अ लैम्प और कीपिंग दिया इन ईस्टर्न डायरेक्शन गुड वर्ड ऑफ नेगेटिव एनर्जी। ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आप दिया जलाते हैं खास करके
नॉर्थ में भी आप रेलवे चला सकते हैं, इसके डायरेक्शन में अगर आप चलाते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेहतर आपके लिए साबित होता है। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, किसी के बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है। और नंबर सिक्स, सोना किस डायरेक्शन में चाहिए? तो सोने के लिए देखिए सबसे बेस्ट जो डायरेक्शन होता है वो होता है साउथ, उसके बाद जो अल्टरनेटिव जो डायरेक्शन होता है वेस्ट, मतलब आपका जो सर है वो साउथ में हो वो दैट इज द बेस्ट, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक वेव्स आती है। मैं ज़्यादा साइंस में अभी नहीं जाऊँगा, अगर आप कोर्स ज्वाइन करके तो वहाँ पर बताऊँगा। साउथ में आप रखें या फिर वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप सर रख करके सोते हैं तो आपका लेग जो है ईस्ट के डायरेक्शन में हो, या फिर आपका जो लेग, ऐसे भी आप ईस्ट में भी सर रख करके सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ नॉर्थ में नहीं रखना, बेस्ट डायरेक्शन साउथ, साउथ में सर, लेग जो है टूवर्ड्स द नॉर्थ, इज द बेस्ट। ये कुछ टिप्स थे डूज के, क्या करने चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं क्या नहीं करने चाहिए। ओके, सो डोंट इंस्टॉल द मेन डोर ऑफ योर हाउस इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में मेन डोर अगर हुआ तो समझ लो कि उस वास्तु दोष को खत्म नहीं किया जा सकता। ओके, कोई कितना भी आपसे कह ले कि मैं वास्तु कर दूंगा, पैसे ले ले, नहीं खत्म कर सकता। ओके, रिड्यूस कर सकता है, रेमेडीज कुछ है, रिड्यूस करेगा लेकिन खत्म नहीं हो सकता। तो सबसे जो बैड डायरेक्शन है फॉर द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, दैट इज साउथ वेस्ट का डायरेक्शन। ऑलराइट, इसको याद रखिए। नेवर प्लेस द वाटर टैंक इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन। साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन होता है वहां पर जो वास्तु पुरुष है ना उसका पांव, वहां पर आप कुछ भी भारी चीज रखें लेकिन वाटर टैंक ना रखें, क्योंकि वो जो डायरेक्शन होता है पृथ्वी तक का डायरेक्शन होता है, वहां पर आप वाटर आप ना रखें, तो उससे आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट होंगे आपके घर, ठीक है, लिटिगेशन हो सकते हैं आपके ऊपर में, कोर्ट केसेस हो सकते हैं, ठीक है, फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आएंगे। मिरर, सो डोंट प्लेस मिरर इन द साउथ सदर्न डायरेक्शन, साउथ में मिरर नहीं होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई टू कीप द मिरर इन द नॉर्दर्न वॉल और द ईस्टर्न वॉल, दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। बेस्ट इज नॉर्थ, मतलब जब आप आईने को देख रहे हो तो आपका चेहरा जो है वो नॉर्थ की तरफ में अगर आपका फेस कर रहा है तो दैट इज द बेस्ट डायरेक्शन। एनी थॉर्नी प्लांट्स, स्पेशली कैक्टस, ठीक है, बॉन्साई, ये आपके घर में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आज के समय में कुछ मॉडर्न लोगों को मैं देख रहा हूँ इतने ज़्यादा मॉडर्न हो गए, कैक्टस रख रहे हैं, बॉन्साई तो पता नहीं किसने सिखा दिया, नहीं होने चाहिए, ठीक है, दीज प्लांट्स आर एब्सोल्युटली नो नो, घर में कहीं भी नहीं होने चाहिए, गार्डन में भी। ओके, कुछ भी वेस्टेज क्लटरी चीजें आप घर में ना रखें, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं जब आप क्लटरी चीजें रखते हैं तो आप अपने लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं। जो भी वेस्टेज की चीजें हैं उसको आप बेच दें, निकाल दें घर से, किसी को दे दें, फेंक दें, जो मर्जी करें, लेकिन आप उसको जबरदस्ती का शोर करके ना रखें। जो कि यूजफुल की चीजें, जो यूजफुल चीजें उसको रखें, जो काम नहीं आने वाली चीजें उसको इकट्ठा ना करें, क्योंकि इससे नेगेटिव एनर्जी आपके घर में हावी होती है, एलिमेंट्स जो है फाइव एलिमेंट जो मैंने बोला वो डिस्टर्ब हो जाए। उसके बाद कोई भी वॉर वाले सीन या वॉर वाले पिक्चर आपको घर में नहीं लगाने। बहुत लोग आप देखेंगे कि महाभारत की पिक्चर लगा देते हैं, नहीं लगानी है। महाभारत डिपिक्ट करता है किस चीज को, वॉर को, लड़ाई झगड़े, घर में लड़ाई झगड़े, तो यू शुड नेवर प्लेस सच पिक्चर्स एट योर होम और एनीवेयर, ठीक है। सबको समझ में आया? बिल्कुल सर। ओके, अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दे रहा हूँ, कुछ सिंबल्स या पिक्चर्स जो आप लगा करके घर को आप प्रॉस्पर बना सकते हैं विदाउट एनी डेमोलिशन। कुछ लोग डेमोलिशन कराते हैं, ठीक है, बहुत जरूरत पड़ने पर करना पड़ता है, लेकिन ऑल्टरनेटिव जो भी है हम करके ट्राई कर सकते हैं, वो मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। कुछ बेसिक चीज़ें और बहुत इफेक्टिव चीज़ें जिसमें आपका ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। मैं हमेशा, मैं जब भी वास्तु सिखाता हूँ या फिर न्यूरोलॉजी सिखाता हूँ या कंसल्टेंसी करता हूँ तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि लोगों के पैसे ज़्यादा खर्च हो। सो आई ट्राई ऑन दैट। सबसे पहला, गणपति, गणपति कहाँ होना चाहिए आपके घर में? बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये आते हैं कि सर गणपति को क्या हम डोर पर लगा सकते हैं? उसका आंसर है नो। गणपति जो है वो द्वारपाल नहीं है, ही इज नॉट अ गेट कीपर।
लाइफ में, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ एक बार ही डोर पर वो खड़े हुए थे माता पार्वती के कहने पर, और उसके बाद में क्या हुआ हम गवाह हैं। तो जो लोग सोचते हैं कि गणपति को हम दरवाजे पर रखें, नहीं रखें, गणपति वो सब परम प्रथम पूज्य है, सबसे पहले हम उनको पूछते हैं, जिसको पूछते हैं आप दरवाजे के बाहर रखेंगे या घर के अंदर में रखेंगे। तो इनकी जो जोन है गणपति घर में एक ही रखें, सिर्फ एक होना चाहिए, मल्टीपल भी ना हो। और इनकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में होना चाहिए, इनका जो फेस है वेस्ट की तरफ में होना चाहिए। आप अगर आइडल लेकर के आते हैं तो टेबल पर भी रख सकते हैं, टेम्पल में रखें बेहतर है। इससे फायदा आपको क्या होता है, आपकी विजडम और विजन बढ़ती है। याद रखिए जो भी मैं डायरेक्शन बोल रहा हूँ उसी डायरेक्शन में उसको रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, रिजल्ट अच्छे आते हैं। ठीक है, वैसे गणपति को कहीं भी लगा सकते हैं लेकिन नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन में ज़्यादा बेहतर काम करता है। नेक्स्ट इज स्वास्तिक। स्वास्तिक एक ऐसा चिन्ह है जो कि आप देखोगे कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, इवन विदेशों में भी यूज़ किया जाता है इसको। ये एक ऐसा चिन्ह है जो कि आप जहाँ मर्जी लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई भी नहीं है, और ये फॉर्चून एंड प्रॉस्पेरिटी देती है, आप कहीं भी लगा लें। लॉर्ड धन्वंतरी, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने इनका नाम सुना है या इनके बारे में जानते हैं। लॉर्ड धन्वंतरी जो है वो समुद्र मंथन जब हुई थी उसमें से वो निकले थे, और यही जो है वो अमृत कलश लेकर के निकले। ठीक है, इनका हाथ में देखिए कलश है। लॉर्ड धन्वंतरी जो है वो हेल्थ के देवता है। ठीक है, जो आपका हेल्थ होता है उसके देवता है। ऑलराइट, ये विष्णु के अवतार है। इनको अगर मान लिया के घर में हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज है, या खुद आप डॉक्टर हैं या हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी काम करते हैं, तो आप अपने घर में, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका चेम्बर है तो उसके नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिए नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में भी लगा सकते हैं। वहाँ पर लॉर्ड धन्वंतरी का एक पिक्चर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके उसकी आप चाहे तो निकलवा लें, आप अगर मार्केट में मिल जाता तो ले लें, उसको फ्रेम करवा करके उसको वहाँ पर लगाएं, तो इससे कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ बेटर होती है, और अगर आप डॉक्टर हैं तो कहीं ना कहीं आप बेटर एडवाइस कर पाते हैं। कुबेर, बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि सर कुबेर को पूजा करना चाहिए या नहीं। जी देखिए, कुबेर जो है वो देवता नहीं है, ना ही देव है, वो यक्ष है, वो रावण के बड़े बड़े भाई हैं। ठीक है, कुबेर जो है वो यक्ष है, तो उनकी पूजा नहीं होती, उनके आइडल आप रख सकते हैं। तो क्या हमको पूजा रूम में रखनी चाहिए? नहीं, पूजा रूम में नहीं रखनी है। आप नॉर्थ के डायरेक्शन में अपने घर में आइडल लेकर के आए। ठीक है, ब्रास का बहुत ईजिली मिलता है, ऑनलाइन भी मिलता है, आप खरीद करके लेकर के आए, आप नॉर्थ के डायरेक्शन में लगाएं फेसिंग साउथ। इनका जो जो डायरेक्शन है वो साउथ, क्योंकि जो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ इज रिलेटेड टू मनी एंड अपॉर्चुनिटी, वो सेविंग भी करता है। सो नॉर्थ के डायरेक्शन में अगर आप कुबेर को रखते हैं तो कहीं ना कहीं वेल्थ आप, देखो कुबेर कुबेर क्या है ना, कुबेर मनी के देवता नहीं है, मनी इकट्ठा करते हैं। सर मनी प्लेस में रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि वो मनी प्लेस आपकी है कौन सी, कहाँ पर। नॉर्थ नॉर्थ में हो तो मनी प्लेस में रख सकते, नॉर्थ नॉर्थ में ही रखिए, और कहीं पर मतलब लॉकर है उसके अंदर रख सकते हैं। अब अंदर में रख दिया तो फायदा क्या है, मनी प्लेस जहाँ पे आपने कुछ रखा है पैसे आपको दिखाई पड़े, जरूरी है कि आपको वो चीज दिखाई पड़े, आपने छुपा के रख दिया ना तो वो आपको देख पा रहे हैं ना तो आप उनको देख पा रहे, तो फायदा क्या। तो इसको टेबल या शेल्फ पर रख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं क्रिएशन मनी क्रिएट करता है और ये अर्जित कर सकता है, क्योंकि कुबेर का की क्वालिटी है ना कि मनी को बचाना है, तो स्पेंडिंग जल्दी नहीं कराता, ठीक है, इकट्ठा करता है बचाता है। और मनी जो देता है वो कुबेर नहीं देता, मनी लक्ष्मी माता देती है, कुबेर जो है वो इकट्ठा करता है, ज्यादा देता है ये भी, लेकिन जो एक्चुअल देवी है वो माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी जो है उनकी वो स्पेंडिंग नहीं कराती है। उनका दिक्कत ये है कि वो चंचल, लक्ष्मी जो है चंचल होती है, वो आएगी निकल जाएगी, आएगी निकल जाएगी। कुबेर जो है, कुबेर क्या है, वो आया तो वो निकलने नहीं देता, रोक के रखते हैं। यस, अशोका पिलर, कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर हो या आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या पॉलिटिशियन हो या आपको कुछ भी गवर्नमेंट से कुछ भी हेल्प चाहिए, ओके, या कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, ठीक है, आपको हेल्प चाहिए या आप गवर्नमेंट ऑफिसर हो, प्रमोशन नहीं हो रही है वगैरह वगैरह, नॉर्थ ईस्ट के सॉरी नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में आपके घर में आप अशोका पिलर, ये आपको लकड़ी की मिल जाएगी, अलग अलग साइज मिलती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, बहुत बड़ी भी होती है, मिल जाएगी आपको इजीली,
वो ला करके आप नॉर्थ वेस्ट के डायरेक्शन में रखें, टेबल पर रखें, या अगर बड़ी वाली लाते हैं मतलब कुछ ऐसी भी मिलती है 4-4 फीट की भी मिलती है, तो उसको आप नॉर्मली फ्लोर पर भी आप लगा करके रख सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं आपको कोर्ट केसेस में, अगर कोर्ट केसेस है तो उससे भी बचाव मिलता है, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी झमेले में पड़ गए हैं तो उससे भी बचाव मिलता है, या गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, वो भी मिलता है। गवर्नमेंट, आप खुद ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उसमें प्रमोशन वगैरह की भी चांसेस भी बढ़ा। विलेज सी बड़ी अच्छी काम करती है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हालांकि सभी ट्राइड एंड टेस्टेड है, लेकिन ये तो मतलब जब मैं खुद भी वास्तु में नहीं आया था और मैंने ट्राई की थी प्रैक्टिस के लिए, बड़ा अच्छा काम किया। विलेज सीन वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में अगर आप विलेज सीन की पिक्चर लगाते हैं ब्लैक फ्रेम में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं अगर आपका अपना घर नहीं है या फिर आपका आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको अर्जित करने में मदद करता है। वेस्ट साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में आपको लगानी, आप वेस्ट में भी लगा सकते हैं चाहे, ठीक है, हैंग ऑन द वॉल। और ये कहीं ना कहीं अगर आपकी प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसको भी सॉल्व करने में ये मदद करता है, दैट इज विलेज सीन। मनी प्लांट मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से एक है मेरे लाइफ में, सबसे ज्यादा लोग यही पूछते हैं सर मनी प्लांट कहाँ है। सो मनी प्लांट जो है कहाँ लगा ये क्वेश्चन नहीं है, कैसे लगा ये क्वेश्चन। मनी प्लांट जो है आप चाहे तो ईस्ट में या नॉर्थ में लगा सकते हैं, बेस्ट डायरेक्शन इज नॉर्थ का डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट का डायरेक्शन, वहां पर आप मनी प्लांट लगा सकते हैं। लेकिन एक्सेप्शन ये है कि आपको ब्लू बॉटल में लगानी है, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं जो बॉटल है वो ब्लू है, ठीक है, और वो कांच की बॉटल हो तो बेस्ट है, उसमें आप अगर मनी प्लांट को लगाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर काम करता है, आपके बिजनेस में जॉब में अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करता है, बहुत अच्छा रेमेडी है, आप जरूर ट्राई करें, पैसे भी ज़्यादा नहीं लगेंगे। आप रैबिट्स, अच्छा रैबिट क्या है ना, देखो रैबिट काम क्या करता है, रैबिट खोदता है, जमीन खोदता है, राइट, आपने देखा हो लाइफ में कभी ना कभी। आपको अगर मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा प्रोफेशन है या बिजनेस है जहाँ पर कि आपको बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, रैबिट आप रखिए जोड़े वाले ऐसे जिसमें कि ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है, ओके। ये आपकी नेटवर्किंग को बढ़ा देता है। कहाँ रखना है, ईस्ट साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आप रखेंगे तो जो कि चर्निंग के डायरेक्शन में है, बहुत अच्छा काम करता है, आपका दिमाग बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, कन्वर्ट, अगर आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो उसको कन्वर्जन में प्रॉफिट में भी वो कन्वर्जन करता है, और नेटवर्क आपके नेटवर्क बढ़ा देता है लोगों से, बहुत अच्छी रेमेडी है। पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस बहुत लोग यूज करते हैं और हॉर्सेस तो बहुत फेमस है, पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस अगर आप लेकर के आते हैं, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, इसको आप साउथ के डायरेक्शन में रखें, फेसिंग नॉर्थ, जो हॉर्स का फेस है वो नॉर्थ की तरफ में, ठीक है, ऑन द टेबल कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर आप इसको रखते हैं तो ये आपको फेम देता है, पैसा देता है, फ्लो देता है, एक्टिविटी लाइफ में आपको रेकग्निशन, लोग पहचानेंगे, ये सब चीजें देता है पेयर ऑफ रेड हॉर्सेस। इसके अलावा लपर्स, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि सर मेरे हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है, हस्बैंड को वाइफ से प्रॉब्लम है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम है, ओके, तोता मैना वाली कहानी पुरानी हो गई। बेस्ट रेमेडी ये है, आप लव बर्ड लेकर के आए, एक्चुअल वाले लेकर के ना आए, क्योंकि आप उनको पिंजरे में रखेंगे वो अच्छी बात नहीं है, उसकी पिक्चर लेकर के, ठीक है, या अगर आपको कुछ भी वो आर्टिफैक्ट्स वगैरह कुछ मिल जा रहे हैं या खिलौने टाइप ऐसा कुछ, तो वो भी आप स्टैचू तो नहीं, खिलौने टाइप भी मिल जा रहे तो भी ले सकते हैं, या फिर आप दो हंसों का जोड़ा ले सकते हैं, वो भी अच्छी काम करती है। इसको साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में रखना है, फेसिंग ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का मतलब उसको क्या है ना कि साउथ वेस्ट में जब आप रखेंगे तो कोने में कॉर्नर में मतलब उसका जो फेस होगा वो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को देखेगा, ठीक है, जो वास्तु पुरुष का सर है वहाँ पर देखेगा, ठीक है, वैसे करके आप रखें तो ये आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप को बेहतर कर देता है, साथ ही साथ फैमिली में आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, उनमें भी रिलेशनशिप को बहुत अच्छा कर देता है, और बहुत अच्छी जल्दी है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, आप इसको करके देखें। लबर्ड्स भी मिलती है तो आप दो हंसों का जोड़ा भी ले सकते हैं, वो भी वही काम करेगा, ठीक है, वो भी नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद की फैमिली पिक्चर, खुद की जिसमें आपकी फेसेस स्माइलिंग हो, आप सभी एक अच्छी पिक्चर खिंचवाए, या किसी शादी वादी का कोई भी पिक्चर हो जिसमें कि आप कुछ खुश हो, ऐसे पिक्चर को गोल्डन फ्रेम करवाएं, याद रखिए गोल्डन फ्रेम, चाहे तो लिखिए गोल्डन फ्रेम करवा करके साउथ वेस्ट के डायरेक्शन में लगा दें तो भी बहुत अच्छा ये काम करता है। आई होप कि ये सब आपको समझ में आया होगा,
ये मैंने ऐसी ही रेमेडी आपको बताई है जो कि आपको करने में मुश्किल नहीं होगी, ज़्यादा पैसा भी ना लगे। अगर किसी को कोई सवाल है तो अब मैं ले सकता हूँ, आप चाहें तो अपने आप को अनम्यूट करके सवाल अगर कोई है तो आप। सर इसका वीडियो आप डालेंगे क्या? नहीं, यूट्यूब पर मैं डाल दूंगा, आप सभी अपने अपने ईमेल आईडी मुझे शेयर करो, ठीक है, या फिर मैंने चैट में अपने ईमेल आईडी दिए हुए वहाँ पर आप अपने, या मेरे ग्रुप में आप अपने ईमेल आईडी डाल दें, ठीक है, वैसे भी तो मैं नहीं तो यूट्यूब का लिंक आपको प्रोवाइड करूँगा। सर हेलो सर, इनकेस मनी प्लांट अभी ऐसा है कि मेरे पास मेरे को प्लांटेशन का शौक है, तो अभी मेरे पास ऐसा है कि मनी प्लांट है ना वो वेस्ट जोन में आ रहा है और आ रहा है सेकंड आ रहा है साउथ जोन में, तो क्या उसको हटा देना चाहिए? एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाएंगे। ओके मैं कुछ अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, जो मेरे अपकमिंग कोर्सेज आने वाले हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कर सकते हैं। वास्तु फॉर होम 21 तारीख से चालू होने वाली, 19 तारीख से होने वाली थी, कुछ लोगों ने बोला सर एक दिन के लिए 19 तारीख को कराएंगे तो संडे ऑफ होगा, तो इसलिए मैं मंडे से उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप रजिस्टर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपके लिए ऑफर यही है कि उसमें अगर आप रजिस्टर करते हैं तो आपकी खुद की होम बेसिक चेक मैं खुद ही कर दूंगा, जिसकी मैं कॉस्ट तो 2100 से स्टार्ट होती है, वो मैं पॉकेट में आपका कर दूंगा। नेक्स्ट मंथ मेरी जो कोर्स आने वाली है मैरिज मैचिंग की है, अगर आप मैरिज मैचिंग सीखना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों से, तो भी आप चाहें तो सीख सकते हैं, और एडवांस न्यूमरोलॉजी की कोर्स भी नेक्स्ट मंथ आने वाली, वो अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मेरा नंबर है नीचे, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, अगर कोई प्रश्न हो या ग्रुप में आप डाल सकते हैं तो मैं जरूर आपको आंसर कर दूँगा। सर साउथ में विंडोज है तो क्या रेमेडी है? कोई रेमेडी नहीं है, साउथ में विंडो है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अगर साउथ में आपका कमरा है तो विंडो तो होगा ही ना, वो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। सर प्लांट्स अगर वेस्ट में है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे होने नहीं चाहिए, वो मुरझा जल्दी जाते हैं, ईस्ट में रखें या नॉर्थ में। सर लैटिन का फेसिंग कौन सा हो सकता है? डिपेंड करता है कौन से जोन में है। नहीं जोन तो वेस्ट में है, बट उसका फेसिंग कौन सा हो सकता है? फेसिंग देखिए आप साउथ फेसिंग उसको कर लें। ओके सर थैंक यू जी। और बोलिए और कोई प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ, अदरवाइज आई एम डन फॉर टुडेज सेशन। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, प्लीज आप अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा ग्रुप में। सर एनी पर्टिकुलर रेमेडीज फॉर द टॉयलेट इन नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट डायरेक्शन? तीनों के तीनों डायरेक्शन में है। बिल्कुल सर, तो बिना ग्रेडिंग किए बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें फिर बहुत कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी दोष है, तो हमें पहले ग्रेड करना पड़ेगा, ग्रेड करके देखना पड़ेगा और क्या क्या चीज है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या क्या आ रहा है। जैसे नॉर्थ में आपने बोला टॉयलेट है तो साउथ के डायरेक्शन में क्या है, उसी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जैसे हमने आपने बोला कि टॉयलेट है तो साउथ ईस्ट में सॉरी साउथ वेस्ट में क्या है, इस तरीके से करके भी हमको थोड़ा मैच करना पड़ेगा उसमें। ओके सर, एंड एनी रेमेडी फॉर द किचन इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन? वेस्ट में देखिए किचन होना तो नहीं चाहिए, येलो कलर कर दीजिए वहाँ। सर मेरा किचन नॉर्थ ईस्ट में है तो क्या करो? नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट, ये तो बहुत बड़ी बड़ी दोष है, बहुत बड़ा दोष है, पॉसिबल नहीं। माने सगड़ी ईस्ट में है। सगड़ी क्या होता है? माने गैस ईस्ट साइड की वॉल में है। गैस ईस्ट उससे मतलब नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हो गया ना तो वो बर्बाद ही है। हाँ तो कोई रेमेडी सर? ये रेमेडी तो है मैडम, फिर वही बात है, क्या कर सकते हैं? देखिए रेमेडी जो है, सबसे पहली रेमेडी तो ये है कि आप वहां से हटाएं, अगर पॉसिबल नहीं हटा सकते हाँ तो उस जोन के कलर से हम कई बार मैच करते हैं, डिपेंडिंग ऑन ऑल द अदर डायरेक्शंस, वहां पर आप ग्रीन कलर कर दें या उसके नीचे की जो मार्बल होती है मार्बल को आप चेंज करवा कर, ग्रीन जो मार्बल आती है ग्रीन ग्रेनाइट आती है उसकी मार्बल आप वहां पर करवा दें, ठीक है। या फिर हम एक और करते हैं, वो हम पट्टी लगवाते हैं। क्या कोर्स में, ये तो कोर्स मैं कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा,
यहाँ पर बताना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर आपका जो गैस चूल्हा आ रहा है ना, उसको हम ग्रीन कलर की पट्टी मिलती है, ऑरेंज की, ग्रीन की, अलग अलग, उसको इससे हम घेर देते, ये हम करवा देंगे। अच्छा, ग्रीन कलर की पट्टी। हाँ, लेकिन वंस अगेन मैडम, कहीं ना कहीं ग्रिड देख करके बताना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में है, लेकिन वो एक्चुअल में हो सकता है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आ रहा हो या किसी और डायरेक्शन में। हाँ, नहीं, नॉर्थ ईस्ट ही है एक्चुअली। अच्छा, और सर मेरा नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में आप मेरा नंबर लिख लेंगे? आप सबका नंबर मैं लिख सकता हूँ। आप एक काम करिए, आप मेरा जो नंबर है आप नीचे देख सकती हैं, 9883864707। आप उस नंबर पर मुझे हाई करके फोन कर दीजिए, मैं आपको लिंक शेयर करूँ। ओके, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप चाहे तो सेव कर लीजिए, कभी भी अगर आपको हेल्प लगता है, या हर महीने ही मैं कोई ना कोई फ्री कोर्सेज में कराऊंगा, सॉरी कोर्स नहीं, सेशन कराऊंगा, तो आप उसमें। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। किसी को और कोई प्रश्न है? हाँ, एक्चुअली बाथरूम भी है हमारे यहाँ साउथ ईस्ट में, तो साउथ ईस्ट में बाथरूम है तो ठीक नहीं है ना, नहीं है तो कोई इसके लिए रेमेडी क्या कर सकते हैं? वंस अगेन फायर एलिमेंट में आप उसको लेकर के आ गए, वहां पर आप पीली कलर आप वहां पर करिए। कौन सा कलर? उसको ग्रीन कलर करिए बाथरूम में, ग्रीन कलर के प्लांट रख देना। अच्छा नहीं ना वहां प्लांट आप रख सकती है, लेकिन फिर वही है कि अगर वहां पर गर्मी ज्यादा होती है तो प्लांट मिल जाएगा। अच्छा, बराबर, बाथरूम में ग्रीन कलर करने का। अच्छा, और मेरा कॉर्नर इस तरीके से कहना बहुत मुश्किल है, विदाउट ग्रिड आप या तो ग्रिड आप खुद बनाइए या किसी से बनवा लीजिए, क्योंकि आपको कई बार लगता है साउथ ईस्ट है, मोस्ट ऑफ द केसेस 95% ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आपको जो डायरेक्शन लग रहा होता है एक्चुअल में वो डायरेक्शन नहीं होता है। अच्छा अच्छा, 95% ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है, चाहे आप कितना भी आपको लगता है कि हां मैं तो कह रही हूं सही, 95% ऑफ द केसेस में वो कहीं ना कहीं कुछ और ही होता है, या कई बार ऐसा भी होता है कि दो डायरेक्शन एक साथ में आ जाते हैं। ओके ओके, और आप घर का एरिया ज्यादा बड़ा नहीं है तो दो डायरेक्शन एक साथ में भी कई बार आ जाते हैं। अच्छा, और आप बोल रहे हैं ना साउथ वेस्ट में बेडरूम होना चाहिए, तो लेकिन वो जो कोना है ना वो थोड़ा अंदर से है, कॉर्नर बार का माने क्रॉस में है, वो क्या है साउथ वेस्ट बेडरूम है, साउथ वेस्ट में जो बेडरूम है तो उसका जो वो क्रॉस है, माने अंदर से कोना है कॉर्नर का, फिर थोड़ा बाहर आ रहा है, माने क्रॉस में रूम है, स्क्वायर नहीं है, माने कटा हुआ है, मतलब कटा हुआ है तो वो अच्छी बात नहीं है, खास करके साउथ वेस्ट कटा हुआ अगर रहता है तो घर का जो ओनर होता है उसको प्रॉब्लम है। हां, तो क्या कर सकते हैं उसमें? कटा हुआ है तो फिर उसके वो टेप आते हैं, कुछ येलो एक टेप आता है, उससे हम कौन सा टेप, कौन सा टेप, वास्तु टेप बोल करके आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, वास्तु टेप। अच्छा, वो कहां लगाऊं? येलो कलर के जो टेप है, जो कटा हुआ हिस्सा है ना उसको पूरा ही वो उस टेप से काट दे, पूरा ही काट ले वास्तु टेप से। अच्छा, माने वो एक स्क्वायर कर देते हैं ऐसा, एक स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन वंस अगेन मैडम इस तरीके से बताना, कई बार मैं बार-बार कह करके कह रहा हूं, आपको हो सकता लग रहा हो साउथ वेस्ट हो, अगर साउथ वेस्ट नहीं हुआ और येलो कलर के टेप डाल दिए तो उससे भी प्रॉब्लम। सही बात, किसी से भी आप कंसल्ट करिए, जरूरी नहीं है। श्योर श्योर श्योर, लेकिन ये वास्तु टेप चिटकती है ना बराबर? चिटकती है ना, माने वो बराबर स्टिक हो जाती है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाती है, अगर पानी मारिए कुछ भी मारिए उसके ऊपर से गाड़ी जाती है, आप देखते नहीं है पार्किंग वगैरह में, आपने देखा होगा कहीं मॉल वगैरह में जाए पार्किंग वगैरह में, तो वो टेप जो लगी होती है, हाँ वो रेड कलर, रेड ग्रीन ऐसा आती है, येलो सब। हाँ हाँ, अच्छा वो शाइनिंग वाले नहीं, शाइनिंग तो अलग होती है, वो एक नॉर्मल भी आती है, नॉर्मल भी आती है। अच्छा, ओके ओके, पर मैं शाइनिंग वाला की जरूरत नहीं, तो शाइनिंग वाला उसको रेडियम कहते हैं। हाँ, रेडियम लाइट गिरती है उसके ऊपर, रेडियम नहीं, वो नॉर्मल टेप आती है, लेकिन वो ओके ओके।
अच्छा अच्छा या okay. और भी पायरा वास्तु काफी रेंजी है, कुछ पायरा बैंड्स वगैरह आते हैं लेकिन वो आप नॉर्मली नहीं लगाते, तो उसके लिए लगाने वाले किसी एक्सपर्ट की जरूरत है या फिर आपको गाइडेंस की जरूरत है। पायरा ये यंत्र आता है, उसको लगा करके हम वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं। अच्छा, माने वो पायरा क्या आता है वैसे, वो वॉल जैसा एक, एक, एक नहीं वॉल नहीं है वो, एक पिरामिड है, इतना बड़ा यंत्र आता है, उसको लगाते हैं एक सर्टेन डायरेक्शन में, एक सर्टेन तरीके से हम उसको लगाते हैं पूरा लाइन में, पूरे लाइन में पूरा। हां, उसको भी समझाना मुश्किल है, पूरा नहीं लगाते हैं, थोड़े दूर लगाते हैं और उसका इफेक्ट जो है वो वर्चुअल वॉल क्रिएट करते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा घर में, वो नॉर्मल से इतना बड़ा पट्टी रहता है। अच्छा, वो भी मिल जाता है ऑनलाइन ऐसा? सब कुछ मिलता है मैडम, लेकिन क्या आपने नाम क्या बताया? पीरा, वो पायरा बैंड उसको कहते हैं, पायरा बैंड। अच्छा अच्छा, लेकिन वंस अगेन मैं आपको डिस्क्लेमर यही दे रहा हूँ कि खुद से ना लगाएं, अगर जोन गलत है तो वो प्रॉब्लम है। ओके, राइट राइट, वो तो है। अगर आपको नहीं मालूम है कि किसी को खांसी है, बुखार आ रहा है, तो वो कोविड से आ रहा है कि नॉर्मल बुखार आ रहा है? हाँ, तो नहीं, वो तो सही बात है, इसलिए कोई भी पैरासिटामोल देने से वो ठीक नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो छोटी मोटी जो चीजें हैं जो मैं बताने लायक है, पेंटिंग वगैरह, ये सब चीजें आप नॉर्मल आप कोई भी कर सकता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज बिना ग्रेडिंग किए, ग्रेड ना की, बिना ग्रेडिंग किए तो कुछ भी नहीं किया। ग्रेडिंग आप ग्रेडिंग करिए या किसी से करवा लीजिए, या जो वो आते हैं ना, वो जो ड्राइंग वगैरह बनाते हैं जो कंस्ट्रक्शन वाले, ठीक है, उनको बुला करके आप उनसे नक्शा निकलवा करके वो भी। ये पूछने का था, मेन डोर के ऊपर गणपति रखा है मैंने, वो आप बोले अच्छा नहीं है ना? मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है, आपकी अगर मेक बिलीफ है तो आप रखिए। मैं नहीं, मैंने रख दिया है तो अभी निकालने का है, वो बात है। गणपति जो है वो द्वारपाल नहीं है। तो फिर घर के अंदर वो सामने वॉल पे करे तो चलेगा? माने पीठ दरवाजे में होगी ना, घर के तरफ मुंह होगा तो नहीं ना? अच्छा अच्छा, बराबर, दरवाजे पर नहीं लगाना। ओके ओके, बेस्ट डायरेक्शन है उसकी नॉर्थ में लगाइए, आप किसी भी डायरेक्शन नॉर्थ में लगाएं या ईस्टर्न वॉल में लगा दो। नॉर्थ में रख के फिर उसका मुंह दरवाजे के साइड फेसिंग करने का है कि साउथ की साइड फेस क्यों कराना है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, नहीं मैंने अंदर टेबल पे रखा है कोने में, तो उसका फेसिंग दरवाजे में जाता है कि मैं नॉर्थ की फेस करा, मींस नॉर्थ में रख के साउथ की साइड फेस चलेगा? वो चलेगा, वो चलेगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो जो जो आते हैं उसमें वो देखते हैं, ऐसा रखा है मैंने, जो जो आते हैं बाहर से। सो ठीक है, थैंक यू सो मच, वी आर डन फॉर टुडे। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग फीडबैक प्लीज ग्रुप में शेयर करिए, ताकि मुझे भी समझ में आए आपको तो मैं कोई ज्ञान दे पाया हूं। नहीं, वेरी गुड सेशन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, गुड नाइट सर, गुड नाइट।